الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين. आप लोग जानते हैं कि आज हम करेंगे जुज नंबर 6. जुज नंबर 6 शुरू होता है, यहाँ पर हम कंटिन्यू करेंगे सूरतुन्निसा की आयत नंबर 148 से. ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा, अल्लाह जबान पर बुरी बात लाने को पसंद नहीं करता सिवाय मजलूम के, और अल्लाह खूब सुनने वाला और खूब जानने वाला है. यहाँ पर एक्सेप्शन दिया जा रहा है, अल्लाह सुभान अल्लाह ताला को ये बात पसंद नहीं है कि किसी के बारे में बात करे. लेकिन क्या है, ला युहिब्बुल्लाहु जहरा बिसू मिनल कौली इल्ला मन जुलिमा वकानल्लाहु समीअन अलीमा. तो ऐसी बात हो, किसी के साथ इनजस्टिस हो, किसी के साथ कोई ऐसी बात हो जिस पे अल्लाह सुभान अल्लाह ताला यहाँ पर क्या फरमा रहे हैं, यहाँ पर एक्सेप्शन है. किसकी बात की जा रही है यहाँ पर, कि किसी के साथ इनजस्टिस हुई तो वो शख्स उस बारे में, उस हद तक अपने साथ जो गलत हुआ उस बारे में वो बात कर सकता है, उस बारे में वो शिकायत. क्यों ये अलाउंस है, क्योंकि इंसान के अंदर एक गुस्सा पैदा हो जाता, वो गुस्सा ठंडा करने के लिए एक रास्ता निकाला गया है कि ला युहिब्बु, अल्लाह नहीं पसंद करता. कुछ अल्फाज है जो अल्लाह सुभान अल्लाह ताला को पसंद है, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, ये क्या है, अल्लाह सुभान अल्लाह ताला की हमद व सना है. ये चीज़ें अल्लाह को पसंद है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं अल्लाह सुभान अल्लाह ताला को पसंद नहीं है. क्या चीज़ें हैं जो पसंद नहीं है, मतलब किसी के बारे में शिकायत करना, एंटिल अनलेस आपको मालूम है कि आपके साथ ज़्यादती हुई, तो ज़्यादती के हद तक अलाउंस है, सिर्फ जाति के हद तक अलाउंस है, उससे ज़्यादा नहीं, और जितनी बात है उतनी ही करना है, उससे ज़्यादा इनजस्टिस आप नहीं करना है. आपके साथ अगर गलत हुआ तो पब्लिकली मेंशन नहीं करना है, पब्लिसाइज नहीं करना है, स्प्रेडिंग ईविल नहीं करना है, लेकिन उस हद तक बात कर सकते इल्ला मन जुलिमा, जो आपके साथ गलत हुआ है अल्लाह सुभान अल्लाह ताला इसकी इजाज़त देता है. वकान अल्लाह समीअन अलीमा. और एक हदीस में आता, मेजर सिंस में क्या है, किसी के ऑनर को अटैक कर रहे हैं, मुस्लिम के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, उसकी इज्जत के साथ खेल रहे हैं, इंसल्ट कर रहे हैं, ये अल्लाह सुभान अल्लाह ताला को पसंद नहीं है. आगे फिर फरमाया जाता है सूरतुन्निसा आयत नंबर 149, नेक काम अलानिया करो या उसको खुफिया करो या किसी बुराई को माफ़ कर दो, तो अल्लाह ताला मुआफ़ करने वाला और बड़ी कुदरत वाला है. तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि नेकी की बात क्या है और अच्छी बात क्या है. कोई बात भी अगर तुम बता के भी कर रहे हैं, छुपा के भी कर रहे हैं, अल्लाह नोज अबाउट इट, और अल्लाह ताला उसको एक्नॉलेज करने वाला है. जो अल्लाह के साथ और उसके रसूलों के साथ कुफर करता है और चाहता है कि अल्लाह और उसके रसूलों के दरमियान फ़र्क डाले, और कहते हैं कि बाज़ों पर तो हमने ईमान ले आए और बाज़ के मुनकिर है, चाहता है के बैन एक राख इख्तियार करें. तो यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता कुछ प्रॉफिट्स पे ईमान ला रहे हैं और कुछ प्रॉफिट्स पे नहीं ला रहे, ऐसे नहीं किया करो. सूरतुन्निसा जुज नंबर 6 कर रहे हैं आयत नंबर 151, ये लोग यकीनन काफिर है और काफिरों के लिए हमने एहानत अमेज अजाब तैयार कर रखा है. लाइक दिस इज़ फॉर द काफिर, यू नो दिस इज़ अ दर्दनाक अजाब. आयत नंबर 152-155 सूरतुन्निसा, जो अल्लाह पर और उसके रसूलों पर ईमान लाए और उनमें से किसी में फ़र्क नहीं करे, तो अल्लाह उनको जल्द ही उनका सवाब ज़रूर अदा करेगा, और अल्लाह तो है ही बड़ा बख्शने वाला और रहम करने वाला. तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, वल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही वलम युफर्रिहु, कोई फ़र्क नहीं करना है प्रॉफिट्स के बीच में. जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऑनर दिया गया था, जैसे कि हम जानते हैं कि आप इमामत भी किए थे और बहुत सारे उसमें आपको ऑनर दिया गया है, लेकिन अनटिल अनलेस व्हाट अल्लाह हैज़ मेंशन, लेकिन अपने खुद से कोई फ़र्क नहीं कर सकते. सब पे ईमान लाना ज़रूरी है.
अहले किताब आपसे दरख्वास्त करती है कि उनके पास एक खास नवाशिस्ता आसमान से मंगवाए, और उन्होंने मूसा से इससे ज़्यादा बड़ी बात की दरख्वास्त की थी और ये कहा कि अल्लाह को हमें खुल्लम खुल्ला देखना है। अब इन लोग क्या फरमाइश कर रहे थे कि नहीं, हम अल्लाह सुभान अल्लाह ताला को सामने से देखना चाह रहे हैं, ओपनली देखना चाह रहे हैं। इज़ इट पॉसिबल? नहीं पॉसिबल है। हम अल्लाह सुभान अल्लाह ताला को जब देख सकते हैं, जब जन्नत जाएंगे और हमारे आमाल इस काबिल रहेंगे, तभी ये ऑनर मिल सकता। फिर उन पर उनकी गुस्ताख के सबब बिजली आ पड़ी, फिर उन्होंने जो बछड़े को माबूद बना लिया। बात इसके कि उनके पास हमारे बहुत दलाइल पहुंच चुके थे, फिर भी हमने दरगुजर किया और मूसा को हमने बड़ा रौब दिया और उनसे कौल व करार लेने के वास्ते कोहे तूर को उठाकर हमने उनको ऊपर मुल्लक रखा। यहाँ आयत नंबर 154 में बताया जा रहा है कि लिटरली अपरूट किया गया था कोहे तूर को। तो जब हमने उनसे कहा था कि दरवाजे में आजी से दाखिल होना और तुम यौमे हफ्ते के बारे में हद से आगे ना बढ़ना, और हमने उनसे बड़ा सख्त कौल और करार लिया था। अब यहाँ पर टू थिंग्स मेंशन किए गए हैं। जब इवन दो गलती हो गई, बोल रहे कि व्हेन यू एंटर डू द सजदा एंड से हित्ततुन, उसको भी बदल के क्या किया था, हित्ततुन कर दिया था नून लगा के। और फिर और एक बात जो बताई गई थी, हफ्ते के दिन फिशिंग नहीं करना था, दे वर डूइंग दैट, और हमने उनको सजा में मुब्तला कर दिया क्योंकि उन्होंने अपने अहद तोड़ दिए और अल्लाह की आयतों का इनकार किया और रसूलों को नाहक कत्ल किया। अब यहाँ पर फिर अगेन क्या थिंग मेंशन की गई है कि अल्लाह की आयतों का इनकार करना, और वकफर भी आयतिल्लाह ही करे, वक़तलिहिमुल अम्बिया, अम्बिया की कत्ल कर रहे थे और उनके कुफर के सबब अल्लाह ने उनके दिलों को बंद कर दिया, सो वो ईमान नहीं लाएंगे मगर थोड़ा सा, वेरी लिटिल ईमान लाएंगे। फला यूमिनू इल्ला कौलीला, आयत नंबर 156-159। और उनके कुफर के सबब और इस बात पर कि उन्होंने मरियम अलैहिस्सलाम पर बड़ा अजीम बोहतान लगाया था, वो राइचियस थे, चेस्ट थे मरियम अलैहिस्सलाम, और मरियम अलैहिस्सलाम की तारीफ की जाती, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते के मरियम अलैहिस्सलाम वॉज अ चेस्ट एंड राइचियस वुमेन, एंड देन उसके बाद तारीफ़ की जाती है आसिया अलैहिस्सलाम की जो फिरौन की वाइफ थी, देन टॉक्स अबाउट खदीजा रदियल्लाहु अन्हा। और इस पर के उन्होंने कहा हमने मसीह ईसा इब्ने मरियम को जो अल्लाह के रसूल है कत्ल कर डाला, हालांकि उन्होंने उन्हें कत्ल किया और ना ही सूली पर चढ़ाए। अब यहाँ अल्लाह सुभान अल्लाह ताला आयत नंबर 157 देखिए, क्लियरली वहाँ पर मेंशन किया जा रहा है, वमा कतलूहु वमा सलबूहु वलाकिन शुब्बिहा लहुम, बोल रहे कि नहीं तुम लोग कत्ल नहीं किए थे और ये तुमको शुबा है। तो हुआ क्या था, जो 12 उनके डिसाइपल्स थे उसमें से जो एक सिमिलर उनकी वैसा फेस बना दिया और अल्लाह सुभान अल्लाह ताला उसके जगह ईसा अलैहिस्सलाम के जगह उनको रखे एंड ईसा अलैहिस्सलाम को बुला लिए। फिर से ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में आएंगे, फिर नेचुरल डेथ होंगी, फिर जब सारे जो हालात होंगे, फिर जब भी किसका ज़्यादा जो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनको ऑनर किया जाएगा, और जो उनके बारे में इख्तिलाफ करते हैं, वो उनकी तरफ से शक में हैं, उनके पास इस बात पर कोई दलील और सनद नहीं। तो ये क्यों कह रहे हैं लोग, ये गलत बात कह रहे हैं क्योंकि उनके पास इसके बारे में कोई सनद नहीं, बाजूस कियास और ख्याल ख्याली बात के और कुछ नहीं, और ये यकीनी बात है कि उन्होंने उनको कत्ल नहीं किया बल्कि अल्लाह ताला ने उनको अपनी तरफ उठा लिया। तो अल्लाह सुभान अल्लाह ताला बल रफअहुल्लाहु इलैहि वकान अल्लाहु अज़ीज़न हकीमा, अल्लाह जबरदस्त और हिकमत वाला है। आयत नंबर 159-162 सूरह निसा। और अहले किताब में कोई ऐसा शख्स नहीं जो मरने से पहले ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में तस्दीक ना करता हो, और कियामत के रोज़ वो उन पर गवाही देगा।
इन्हीं बड़े बड़े जुर्मों की वजह से जो पाक चीज़ें हमने यहूदी पर हलाल कर रखी है वो हराम कर दें, और इस वजह से भी कि वो बहुत से लोगों को अल्लाह की राह पर आने से रोक दें। अब यहाँ पर आया नंबर 160 में क्या हम सीख रहे हैं कि इवन दो मैनी थिंग्स वेर हलाल दे वेर डूइंग द हराम, हम हलाल को हराम, हराम को हलाल नहीं कर सकते, और इस वजह से कि वो सूद लेते थे हालांकि इससे उनको मना किया गया था, और इस वजह से कि वो लोगों का माल नाहक खाते थे और हमने काफिरों के लिए दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। तो अब यहाँ पर क्या है, अगेन फॉरबिडन है सूद लेना देना, उसमें राइट डाउन करना, उसमें गवाह बनना, एनीथिंग रिलेटेड टू दैट सूद इट्स कंप्लीटली फॉरबिडन है, हराम है। लेकिन उनमें से जो लोग इल्म दीन में पुख्ते हैं और जो मोमिनीन इस किताब पर भी ईमान लाते हैं जो हमने आपकी तरफ नाजिल की है और उस पर भी जो आपसे पहले नाजिल की गई है, और जो नमाज पाबंदी से पढ़ा करते थे, जकात देते, और जो अल्लाह पर और रोजे क्यामत पर अकीदा रखने वाले हैं, उन सब को हम जरूर बहुत बड़ा सिला देंगे। देखिए यहां पर अगेन क्या थ्री थिंग्स मेंशन किए गए, युकीमुस्सलाता व युमिनुना ज़कता वल मुमिनुना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, थ्री थिंग्स मेंशन किए गए हैं। नमाज कायम करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, जकात देना और आखिरत पर ईमान रखना। सो मेनी पीपल इट हैपेंस यू नो some of them they say कि नहीं इन्हों एक नाम के मुसलमान है, but you have to check क्या नमाज पढ़ते या zakat देते and also क्या ईमान लाते। हमने आपकी तरफ वही की जैसे नूह की तरफ की थी और उनके बाद दूसरे नबियों के तरफ की थी, हमने वही की थी कि इब्राहिम इस्माइल इसाक याकूब के तरफ और औलाद याकूब की तरफ और ईसा अय्यूब यूनुस हारून की तरफ और सुलेमान की तरफ, और हमने दाऊद को जबूर अता की थी आयत नंबर 165 टू 166, और हमने ऐसे लोगों को रसूल बनाया जिनका हाल हम आपको पहले बता चुके हैं और ऐसे रसूल पैदा किए जिनका हाल हमने आपको नहीं बताया, और अल्लाह ने मूसा से ख़ास तौर पे कलाम किया। अब यहाँ पर डिफरेंट प्रॉफिट्स के बारे में मेंशन किया गया है एंड आप जानते हैं कि जैसा इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, खलील अल्लाह है, उनसे अल्लाह सुभान अल्लाह ताला उनको दोस्त बनाए, और मूसा अलैहिस्सलाम के साथ करे क्या है तकलीम, मतलब आपसे टॉक किए थे, बात किए थे। तो यहाँ पर हर प्रॉफिट के बारे में एक जो ऑनर है उसमें बात बयान की गई है, क्योंकि वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा, अल्लाह सुभान अल्लाह ताला बात किए थे, डायरेक्ट स्पीच किए थे। फिर आयत नंबर 165 में बताया जा रहा है रसूलम मुबशीरीना व मुनज़िरीन, मैसेंजर्स क्यों आए, गुड न्यूज़ लेके आए, वार्नर्स है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बात बयान की जा रही है आगे, इन सब रसूलों से खुशखबरी सुनाने वाले, डराने वाले बनाकर भेजा था ताकि लोगों को अल्लाह के सामने उन रसूलों के बाद कोई उजर बाकी ना रहे, और अल्लाह तो बड़ा ज़बरदस्त और बड़ी हिकमत वाला है। लेकिन अल्लाह बज़ाहिर इस किताब के जो उसने आप पर उतारी है गवाही देता है कि ये किताब उसने इल्म से नाजिल की है, और फरिश्ते भी तस्दीक करते हैं, और अल्लाह ताला ही की शहादत काफ़ी है। जो लोग काफिर हैं और अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं वो तो बड़ी दूर की गुमराही में जा पड़े हैं। देखिए इन्नल लज़ीना कफरू व सद्दू अन सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते से रोकना दल्लू दलालम बईदा, बहुत दूर की गुमराही में आ गए। आयत नंबर 168 टू 170, बिलाशुबा जो काफिर है दूसरों पर जुल्म करते हैं, अल्लाह उनको कभी ना बख्शेगा और ना उनको दिखलाएगा कोई रास्ता। जो लोग नहीं चाह रहे कि सही रास्ते पे आएंगे तो उनके लिए क्या है, लियगफिर लहुम, उनको नहीं यगफिरा करेंगे, उनको माफ़ नहीं करेंगे, और वला यहदीहिम, उनको रास्ता भी नहीं दिखाएंगे। हिदायत का रास्ता बहुत बड़ी चीज़ है, अहदिना सिरातल मुस्तकीम, सिवाय जहन्नम का रास्ता, और वो हमेशा हमेशा उसमें रहेंगे, और ये अल्लाह को बहुत आसान है, क्योंकि जहन्नम खालिदीन फीहा अबदा व कान ज़ालिका अलल्लाह यसीर, अल्लाह के लिए वेरी ईजी है। ये तमाम लोगों, ये रसूल तुम्हारे रब की तरफ से सच्ची बात लेकर तुम्हारे पास आए हैं, सो तुम ईमान ले आओ, ये तुम्हारे लिए बेहतर है,
और अगर तुम नहीं मानोगे तो अल्लाह ही की मिल्कियत में है ये सब कुछ जो आसमान और ज़मीन में है, और अल्लाह ही खूब जानने वाला और बड़ी हिकमतों वाला है. Because you know Allah knows about it, everything. Allah says in ayah number 171, ऐ अहले किताब, तुम अपने दीन में हद से मत निकलो और अल्लाह की शान में कोई गलत बात मत कहो. मसीहा ईसा ने मरियम को कोई चीज भी नहीं है मगर अल्लाह के रसूल और अल्लाह के एक कलीमा, और बस अल्लाह ही ने उनको मरियम तक पहुंचाया और अल्लाह ही के तरफ से एक जान है. और सो अल्लाह और उसके सब रसूलों पर ईमान लाओ. यूं मत कहो कि तीन है, मतलब ट्रिनिटी मत कहो, इससे बाज आ जाओ, तुम्हारे लिए यही बेहतर है. हकीकी माबूद तो एक माबूद है, वो औलाद वाला नहीं, इससे वो पाक है, बालातर है, जो भी आसमान और ज़मीन में है वह सब उसका है, वो कारसाज काफ़ी है. तो यहाँ पर क्या है, तकुलू सलासा, तीन मत कहो क्योंकि अल्लाह एक है. यहाँ पर बताया जा रहा है अल्लाह के साथ अगर कोई हमसर बता रही अल्लाह की औलाद, अल्लाह को इतना फील बैड होता, अल्लाह ताला चाहते कि ये सारा फट जाए, रेजा रेजा हो जाए. हाउ एंग्री एंड अपसेट अल्लाह गेट्स व्हेन यू टॉक अबाउट अल्लाह सुभान अल्लाह ताला, बिकॉज अल्लाह इज वाहिद सुबहानहु अन यकून लहू वलद. अल्लाह की कोई औलाद नहीं. लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ध वकफा बिल्लाहि वकीला. अल्लाह ताला कारसाज़ है, अल्लाह इज इनफ फॉर अस. सो व्हेन यू रिलाय कंप्लीटली ऑन अल्लाह सुभान अल्लाह ताला, अल्लाह विल डेफिनेटली हेल्प यू. आयत नंबर 172 ऑनवर्ड सूरह निसा, मसीह हरगिज भी कोई आर नहीं करेगा इससे कि वो अल्लाह के बंदे हैं और ना मुकर्रब फरिश्ते. और जो अल्लाह की बंदगी से आर और तकब्बुर करेगा तो अल्लाह सबको अपने पास जमा करेगा. बोल रहे कि डोंट डू तकब्बुर, अल्लाह विल गैदर वन डे. फिर जो ईमान लाए और नेक काम करे, अगेन यू नो فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, जो नेक अमल करे तो अल्लाह ताला क्या करेंगे उनको, अल्लाह उनको पूरा पूरा सवाब अता फरमाएंगे और अपने फजल से उनको ज़्यादा देंगे. और जो आर ही करते रहे और तकब्बुर में रहे तो अल्लाह उनको बड़ी दर्दनाक सज़ा देंगे, और वो अल्लाह के सिवाय किसी को तो ना अपना दोस्त ना मददगार ही पाएंगे. तो अल्लाह सुभान अल्लाह ताला यहाँ बोल रहे हैं कि वस्तकबरू मत करो, तकब्बुर मत करो, क्योंकि तुमको अजाबुन अलीमा होगा. और उस दिन तुम वला यजीदूना, तुम कोई चीज़ क्या नहीं पाएंगे तुम्हारे लिए, लहुम मिन दूनिल्लाहि वलियम वला नसीरा, तुम्हारा कोई भी क्लोज फ्रेंड नहीं रहेगा, क्लोज प्रोटेक्टिंग फ्रेंड नहीं रहेगा. फिर फरमाया जा रहा है या युन्ना से किताब है, ऐ लोगो यकीनन तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से एक दलील आ चुकी है और हमने तुमको साफ नूर अता किया है, नूरन मुबीना है. जो सो अल्लाह पर ईमान लाओ, अल्लाह ही को मजबूत पकड़े रहो तो अल्लाह उसको अपने फजल व करम से अपनी रहमत में दाखिल करेगा और अपनी तरफ का रास्ता दिखाएगा. नाउ हियर इट सेज यू नो कि अल्लाह का रास्ता फॉलो करो और वातसिमु बिही, अच्छे से स्ट्रॉन्गली एडहर करो अल्लाह के रास्ते को. लोग आपसे हुक्म दरियाफ्त करते हैं तो आप फरमा दीजिए कि अल्लाह कलाला के बारे में तुमको ये हुक्म देता. कलाला किसको बोलते हैं, जिसकी औलाद नहीं है, एसेंडेंट डिसेंडेंट्स कुछ भी नहीं है, उनकी औलाद नहीं है, मर्द हो या औरत. अब उनकी जो जायदाद है कैसे उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी वेल्थ की, हुक्म देता है कि अगर कोई फौत हो जाए जिसकी औलाद ना हो और ना माँ बाप. अब जो पर्सन है उसकी औलाद भी नहीं है एज़ वेल एज़ उसके पेरेंट्स नहीं है, और उसकी बहन हो तो उस बहन को कुल तरके का निस्फ मतलब हाफ मिलेगा, और वो अपनी बहन के वारिस होगी अगर वो बहन फौत हो जाए. अगर उसकी औलाद ना हो, बहन है और वो फौत हो गई एंड देर इज़ नो औलाद फॉर द बहन, अगर बहनें दो हो तो उनको कुल तरके का क्यों होगा, 2/3 हिस्सा मिलेगा. और अगर वारिस चंद बहन भाई है, लाइक यू नो मोर
ओके, मर्द और औरत, तो एक मर्द को दो औरत के हिस्से के बराबर मिलेगा। अल्लाह तुमसे दीन की बातें इसलिए बयान करता है कि तुम गुमराही में ना पड़ो, और अल्लाह हर चीज़ को खूब जानने वाला है। तो नाउ अल्लाह इज़ सेइंग कि ये जो तरके का माल है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेल्थ है, हाउ अल्लाह इज़ डिस्ट्रीब्यूटिंग अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ शरिया। अगर समझो कि कोई अगर शरीयत के तौर पे कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करके गए, तो क्या करना है, अकॉर्डिंगली शरीयत के लिहाज से उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। सूरतुल माईदा, टेबल स्प्रेड को बोलते हैं। अब यहाँ पर सूरतुल माईदा क्या है, ऐसी सूरा है जो मदनी एरा में, एंड ऑफ द मदनी एरा में रिवील हुई। तो अब यहाँ पर जो कमांड्स है ऐसे एब्रोगेटेड नहीं हुए, ये फाइनल कमांड्स है। और 80 times 80 क्या मेंशन किया गया है, या अय्युहल लजीना आमनु, ए लोगो जो ईमान लाए हो। और ये सूरे में हाउ मेनी टाइम्स मेंशन किया गया है, 16 times 16 या अय्युहल लजीना आमनु। तो अब यहाँ पर जब सूरतुल माईदा भी शुरू हो रही है तो यही मेंशन किया जा रहा है, या अय्युहल लजीना आमनु औफू बिल उकूदी उहिल्लत लकुम बहीमा बहीमतुल अनआमी इल्ला मा युतला अलैकुम गैर मुहिल सैदी व अंतुम हुरुम इन्नल्लाह यहकुमु मा युरीद। मोमिनो, तुम अहद को पूरा किया करो, तुम्हारे लिए तमाम चौपाए मवेशी हलाल किए गए हैं, मगर जिनका जिक्र आगे आता है, लेकिन शिकार को हालत एहराम में हलाल मत समझना, बिलाशुबा अल्लाह जो चाहता है हुक्म कर देता है। यू नो दिस इज एन एक्सेप्शन, व्हेन यू आर इन द एहराम यू कांट डू द शिकार, ओके, यू कांट डू द मवेशी जानवर का शिकार नहीं कर सकते, वो बात बयान की जा रही है, ओके, लाइफ स्टॉक जो बोलते हैं ना, जिसके चार पैर रहते। बट कैन वी डू द सी का जो है, सी में से कुछ खा सकते, फिश है, प्रॉन्स है, यस। मोमिनो, तुम अल्लाह की निशानियों की बेहुरमती ना करो। बट दिस इज़ यू नो शिकार की बात हो रही है, अब ये नहीं है कि आप एहराम में हैं और उम्रे के लिए जा रहे हो, हज पे जा रहे हो और बोल रहे कि नहीं मेरे लिए गोश्त चिकन इट्स नॉट हलाल। दिस इज़ टॉकिंग अबाउट लिटरली यू आर डूइंग शिकार इन द एहराम, वेदर यू आर मैन और वुमेन, ओके। मोमिनो, तुम अल्लाह की निशानियों की बेहुरमती ना किया करो। अल्लाह की निशानियाँ, शायर अल्लाह जो है ना, उसकी बेहुरमती नहीं करो बताया जा रहा, और ना हुरमत वाले महीनों की, मतलब जो फोर सेक्रेट मंथ्स है ना उसके बारे में, ना हराम में कुर्बान होने वाले जानवरों की, और ना उन जानवरों की जिनके गले में पटे पड़े हुए हैं। यू नो दे पुट द पटे, ऐसे इसीलिए डाल देते थे उनके गलों में बेल्ट, ताकि उन लोग अपने डियरटीज के लिए उसको रख लेते थे सेक्रेट, और ना उन लोगों की जो बैतुल हराम के खस्त से जा रहे हो और अपने रब के फजल और रज़ा की ताइब करो, तालिब हो। मतलब दिस इज़ लाइक यू नो अल्लाह से मांगो एंड आस्क अल्लाह सुभान अल्लाह ताला, और जब तुम एहराम से बाहर आ जाओ तो शिकार कर लो। नाउ इट इज़ अलाउड, अब एहराम निकाल दिए बिकॉज यू डिड योर उमरा, यू आर डन विद इट, नाउ यू कैन। और ऐसा ना होना चाहिए कि तुमको किसी कौम से बुग्स हो इस वजह से कि उन्होंने तुमको मस्जिद हराम से रोका था, तो तुम उन पर ज्यादती करने लगो और नेकी और तखवा में एक दूसरे से मदद किया करो। बोल रहे हैं कि इफ़ somebody stopped यू एट द टाइम ऑफ दैट यू नो मस्जिद हराम से, बट अब तुम अपने जाती मत करो। तो मैनी टाइम्स क्या होता मालूम, हम जब मज़लूम रहते ना, तुम हमारे ऊपर जुल्म हुआ, बट यू नो मज़लूम और जालिम में एक थिन लाइन रहती, मज़लूम जाके जालिम नहीं बन जाना है, और अल्लाह ताला को जुल्म करना पसंद नहीं है, एंड ऑल्सो नॉट कर्सिंग भी नहीं करना है, और ज्यादती मत करो, एक दूसरे की मदद ना किया करो, मतलब ज़ाती में मदद मत करो, और अल्लाह से डरते रहो, बिलाशुबा अल्लाह बड़ी सख्त सज़ा देने वाला है, शदीदुल इकाब है। देखिए गफूर रहीम है हमेशा बोलते हैं, यहाँ पर पारा नंबर 6 कर रहे हैं सूरतुल माईदा की आयत नंबर 2 में क्या बताया जा रहा है, अल्लाह इज़ शदीदुल इकाब ऑल्सो, अल्लाह कैन टेक द रेट्रीब्यूशन बट अल्लाह इज़ गिविंग अस टाइम स्पैन, आयत नंबर 3 और 4।
तुम पर हराम किए गए हैं मुर्दार खून, खिंजीर का गोश्त, मतलब ऑल ऑफ द खिंजीर, और वो जानवर जो गैर अल्लाह के नाम पर ज़बह किए गए, मतलब जाके दरगाहों पे या अल्लाह के अलावा कोई पीर फकीर के लिए ज़बह कर रहे हैं, वो नहीं खाना है, वो आपके लिए हराम है। और जो गला घोंट के मर जाए, जो किसी ज़र्ब से मर जाए, मतलब किसी को ऐसा लग जाता ना उसको बोल रहे, और जो ऊंचे जगह से गिर कर मर जाए, और जो किसी टक्कर से मर जाए, किसी को दरिंदा खाने लगे, मतलब कोई एक वाइल्ड एनिमल्स खा के उसको छोड़ दिया, वो पूरा डेथ भी नहीं हुई, मगर जिसको जुबा कर डालो वो जायज है। यू नो ऑल द लिस्ट ऑफ थिंग्स मेंशन अभी तक जो है ना, एक उसूल हमेशा याद रखिए, उसको बिस्मिल्लाह अल्लाहू अकबर बोल के ज़बीहा करे, दैट इज अलाउंस। अगेन यू नो फिर कंट्री का लॉबी है, अब बहुत सारे कंट्रीज में इट्स नॉट अलाउड, फिर आप कैसा खाएंगे बोलिए आप, तो फिर ये सारे चीज़ों का भी दिमाग में रखना है। बट अगर दैट एनिमल इज स्टिल, उसके अंदर जान है और उसको आप हलाल करिए, तो अगर वो अलाउड है, यू नो यू कैन गुड टू ईट। जो जानवर परस्तिश गाह पर ज़ुबा किया, मतलब जाके जो आस्थाने दरगाहों की बात हो रही, और ये कि तकसीम करो कुरा के तीरों के ज़रिए से, यह सब गुनाह के काम है, आज के दिन तुम्हारे दीन से काफ़ी ना उम्मीद हो गए, सो तुम उनसे मत डरो और मुझसे डरो। ये अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि मेरे से डरो, लोगों से मत डरो। अल्यौमा अकमलतु दीनकुम, मतलब दीना दीन कंप्लीट हो गया, मुकम्मल हो गया, वी हैव टू यू नो डू द थिंग्स अकॉर्डिंग टू दिस बुक, अकॉर्डिंग टू दिस कुरान। हम कितना भी पढ़ लो, हम अगर उसको अमल नहीं कर रहे हैं, तो फिर हम वही है जैसे कि एक जाहिल इंसान है। सो तुमसे मत डरो, लोगों से मत डरो, मुझसे डरो, मीन्स अल्लाह से डरो। आज के दिन तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मैंने मुकम्मल कर दिया, और मैंने अपने इनाम तुम पर पूरे कर दिए। अल्लाह सुभान अल्लाह तआला सेइंग कम्प्लीट हो गया, और मैंने तुम्हारे लिए इस्लाम को बतौर दीन के पसंद किया। बस जो शिद्दत की भूख में, और मतलब दिस इज़ लाइक यू नो आपका टमी अंदर चले गया, शिद्दत है, कुछ भी नहीं है खाने के लिए। अब यहाँ पर देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, ब्रेड है, बहुत सारे वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, ऐसा नहीं कि बस अहले किताब का हलाल है, गए अपना बर्गर ले लिया और बोले कि नहीं चलो ये तो अच्छा मौका मिल गया। नो नो नो, नॉट दैट वे। आपका पेट चिपक गया, आपकी जान पे बनाई, तब क्या कि आप खा सकते, बट गुनाह की तरफ माइल ना होना। बेशक गुनाह की तरफ अगर माइल होंगे, अल्लाह नोज अबाउट इट, बेशक फिर अल्लाह माफ़ करने वाला। वाई अल्लाह इज़ माफ़ करने वाला और बड़ी रहमत वाला? बिकॉज इवन दो यू एट द थिंग विच इज़ नॉट हलाल, लेकिन आपके दिल में ये नहीं रहना चलो अब मेरे को तो मौका मिल रहा और मैं हराम खा लूँ और बहुत ज़्यादा खा लूँ। नो नो नो, थोड़ा सा खाना है, लिटिल बिट खाना है, जितना कि आप सर्वाइव हो सके, लेकिन देर आर मैनी थिंग्स एज आई टोल्ड यू, तो बेटर टू अवॉइड दैट। लोग आपसे दरियाफ्त करते हैं कि कौन कौन से जानवर उनके लिए हलाल है, आप फरमा दीजिए कि तुम्हारे लिए तमाम जानवर हलाल है, और जिनकी शिकार जानवरों को तुम तालीम दो और उनको तुम छोड़ो, और उनके इस तरीके से तालीम दो जो तुमको अल्लाह ने तालीम दिया है। ऐसे शिकारी जानवर जिस शिकार को तुम्हारे लिए पकड़े उसको खा लो, और उस पर अल्लाह का नाम भी ले लो, और अल्लाह से डरते रहो, बिला शुबा अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है। नाउ अल्लाह सुभान अल्लाह ताला इज़ सेइंग कि ऐसे चीज़ें हैं जो अल्लाह सुभान अल्लाह ताला क्लियरली सेइंग दिस इज़ अलाउड, बट व्हाट इज़ फॉरबिडन, जिस पे गैर अल्लाह हो और कोई आस्थाने दरगाहों पे है तो वो फॉरबिडन है, नहीं खा सकते। अब बहुत सारे लोग बोलते नियाज का खाना है, फातिहा का, वो नहीं खाना है, फॉरबिडन है, मना है। अब एक बार आपके अंदर तालीमात आ गई, नहीं ये तो हम खाना जाए, वो तो गैर अल्लाह का खाना है, दिस इज़ नॉट हलाल, दैट इज़ नॉट पाकीज़ा। आयत नंबर 5 सूरतुल मायदा जुज नंबर 6, आज हलाल चीज़ें तुम्हारे लिए हलाल की गई है, और अहले किताब की ज़बीहा खाना तुम्हारे लिए हलाल है। अगेन यू नो हाउ दे यूज टू डू अहले किताब, दैट काइंड ऑफ खाना इज़ हलाल, और तुम्हारे ज़बीहा उनको हलाल है, और मुसलमान पारसा औरतें और अहले किताब की पारसा होते हैं, मतलब चेस्ट वुमेन, राइचियस वुमेन, जब तुम उनका उनका मेहर अदा कर दो तो हलाल है। यू नो यू आर गेटिंग मैरिड, अ मैन इज़ गेटिंग मैरिड टू अहले किताब, फिर उसको मेहर दे दो, वेदर यू नो
और फिर यहाँ पर जब अहले किताब को शादी करते तो मेक श्योर कि उन्होंने चेस्ट है, राइचियस है, वर्जिन है, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एंड आफ्टर दैट फिर उनको तालीमात दे के उनको मुसलमान करो, ये नहीं कि पूरी ज़िंदगी आप जाके चर्च में बैठ जा रहे हैं, वैसा नहीं। इस तौर पर के तुम बीवी बनाओ, ना कि अलानिया तौर पर बदकारी करो, मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लिविंग रिलेशनशिप बोल रहे कि नहीं ये नहीं करना है, और ना खुफिया आशनाई करो, डोंट डू दैट खुफिया। मतलब अब ये बहुत सारे ऐप्स है जिसमें आपको ना चैटिंग भी करके उसकी कोई मैसेजेस दिखते भी नहीं, तो अल्लाह तो देख रहे हैं ना, बहुत सारे ऐसे ऐप्स है, लेकिन किससे बच रहे हैं? अल्लाह सुभान अल्लाह ताला इज वॉचिंग, तो किसको हम धोखा दे रहे हैं? और जो ईमान के साथ कुफर करेंगे और उसके नेक आमाल भी गारत कर दिए जाएंगे और वो आखिरत में भी खसारे में रहेंगे। यू नो दिस इज़ टॉकिंग अबाउट द ईमान वाले, ईमान वाले कैन डू द गलती, यस ऑफ कोर्स। जब आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम एक गलती छोटी सी हुई थी, एक फ्रूट फॉरबिडन था तो उन्होंने गलती से खा लिए थे। फिर आगे फरमाया जा रहा, मोमिनो जब तुम नमाज को खड़े होना, आयत नंबर 6, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स टॉकिंग अबाउट यू नो हाउ वी शुड डू द तयम्मुम एंड स्टिल वी आर गुड टू गो व्हेन यू आर इन द लाइक यू नो इम्प्योर स्टेट में है, आपके पास पानी नहीं है, जर्नी पे है। मोमिनो जब तुम नमाज को खड़े हो होने लगो तो अपने चेहरे और अपने दोनों हाथों को भी कोहनियों समेत धो लिया करो, और अपने सरों पर हाथ फेर लिया करो, और अपने पैरों को टखनों तक समेत धो लिया करो, और अगर तुम जनाबत की हालत में, मतलब इम्प्योरिटी, तो सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद जो इम्प्योरिटी है उसकी बात हो रही में हो, तो सारे बदन को गुसल करके पाक कर लो। और अगर तुम बीमार हो या सफ़र में हो, या कोई अगर मतलब रेस्टरूम यूज़ करे आए हो, तो या तुम अपनी बीवियों से हम बिस्तरी हुई है हो, तो मगर पानी ना मिले, लिसन दिस केयरफुली, पानी ना मिले, इन चारों सूरतों में तुम पाक ज़मीन से तयम्मुम कर लो, स्टिल यू आर गुड टू गो, तयम्मुम कर सकते। यू नो देर इज़ नो वाटर, बीमार भी है या सफ़र पे है या ऐसी कोई चीज़ है, स्टिल यू कैन डू द तयम्मुम, पानी है नहीं। यानी अपने चेहरों को और अपने दोनों हाथों पर अपने हाथ फेर लिया करो इस ज़मीन पर, इसलिए अल्लाह ये नहीं चाहता कि तुम पर कोई तंगी करे, लेकिन वो ये ज़रूर चाहता है कि वो तुमको ये वो तुम तुम्हारे लिए पाक और साफ रखे, और चाहता है कि वो तुम पर अपनी इनाम पूरा कर दे ताकि तुम शुक्र अदा करो। दिस आयत नंबर 6 क्लियरली मेंशन किया जा रहा है कि जब आप के पास पानी नहीं है, या आप सफ़र पे हैं, और या आप सिक है, आप बीमार है, एंड स्टिल आप तयम्मुम कर सकते, पैट करना है, तयम्मुम का भी जो डस्ट है या वो जो मट्टी है वो पाक साफ रहना, ऐसा नहीं कि डॉग पू है, कैट पू है और उसके ऊपर आप तयम्मुम, नो, इट शुड बी प्योर एंड तय्यब, यू कैन ब्रिंग एंड यू कैन पुट इन द बैग और रख सकते आप हैंडी उसको, लेकिन मेक श्योर कि ये कंडीशंस अप्लाई। बट मैनी सिस्टर्स आई हर्ड व्हेन दे डू द मेकअप ऑन देयर ऑन देमसेल्व्स इन द मॉर्निंग टिल द नाइट दे कीप ऑन डूइंग द तयम्मुम, और वो फतवा शॉपिंग के थ्रू उनको फतवा मिल चुका, सो दे आर डूइंग दैट। तो आई एम नॉट अ यू नो स्कॉलर, बट हियर द हुकुम इज क्लियरली मैंशन, देर आर एक्सेप्शन। तो क्या बीमार है मेकअप लगा लेके, या सफ़र पे है, या कौन से कंडीशन हैं जो इस तरह से बयान किया जा रहा, तो मे अल्लाह गाइड अस ऑल, यू नो, बट मेक श्योर कि ये सारे कंडीशन है। एक हदीस भी आती है जिसमें एक सहाबा उन्होंने बहुत तबीयत उनकी ख़राब रहती, तो वो बोलते कि अगर मैं शावर लिया, जनाबत में रहते तो मुझे फील हो रहा कि आई एम वेरी यू नो सिक, मैं बीमार हूँ, स्टिल यू नो द सहाबा इकराम सेड नो नो यू हैव टू डू द शावर क्योंकि पाक नहीं होते। एंड द वेरी नेक्स्ट डे व्हेन प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम केम टू नो कि वो पर्सन की डेथ हो गई, तो बोले कि तुम लोग डेथ करें, तो इग्नोरेंस से भी इंसान की डेथ हो जाती, कंप्लीट नॉलेज और सही नॉलेज होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि हर कोई अल्लामा बन के बोल रहे कि नहीं नहीं जाओ मेकअप लगाना है ना, चलो ठीक है तुम्हारे लिए तयम्मुम है, असल तो नमाज पढ़ना है, दैट्स ओके फाइन।
तो बस अल्लाह ताला ही हमको तौफीक दे। और तुम अल्लाह के इनाम को याद करो जो उसने तुम पर किया है, और उसके अहद को भी याद करो जिसका तुमसे मुआहदा किया है जब तुमने कहा था हमने सुना और मान लिया। आयत नंबर 7 में क्या बता रहे हैं कि वज़कुरु, तुम अपनी नेमतों को याद करो, अल्लाह से डरा करो। बिला शुबा अल्लाह दिलों की बातें भी खूब जानता है, क्योंकि हम लोगों को धोखा दे सकते, अल्लाह को दे सकते। इन्नल्लाहा अलीमुन बिज़ातिस सुदूर, सीने में क्या है, सीने में दिल है। मोमिनों, तुम अल्लाह के लिए पूरी पाबंदी से इंसाफ पर कायम रहने वाले गवाह रहो, और किसी खास कौम से अदावत तुमको इंसाफ से ना रोके। तो अब यहाँ पर आया नंबर 8 में सूरतुल माईदा में बताया जा रहा है कि बायस मत हो जाओ कोई कौम के साथ, इवन इन द फैमिली ऑल्सो जस्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंसाफ तो किया ही करो, क्योंकि ये इंसाफ तकवा से बहुत करीब है। अल्लाह ही से डरा करो, बिला शुबा अल्लाह तुम्हारा सब आमाल से बाखबर है। तो यहाँ पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि नहीं, हम नाइंसाफी करना और इंसाफ क्या है, अगर मेरे पेरेंट्स गलत कर रहे हैं तो मेरे पास पूरी अथॉरिटी है मैं गलत को सही बोलूं, क्योंकि अब उनकी उम्र हो गई ऐसा वैसा। बट लीस्ट ईमान का दर्जा क्या है, एटलीस्ट दिल में तो बुरा जान लो। तो सही को सही और गलत को गलत करना है, ऐसा नहीं करना है कि गलत बातों को आप बोल रहे हैं कि नहीं नहीं ये सही है, वो यहाँ पर फॉरबिडन किया जा रहा है, मना किया जा रहा है। फिर आगे फरमाया जा रहा है, अल्लाह ने उन लोगों से वादा कर रखा है जो ईमान लाए और नेक काम किए, उनके लिए मग़फ़िरत और सवाब अज़ीम है। देखिए अगेन एंड अगेन वेन एवर समथिंग हैपन्स देन अल्लाह सुभान अल्लाह ताला टॉक्स अबाउट वादा ऑफ अल्लाह, الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة واجر عظيم। और जो अल्लाह को नहीं मानते और हमारी आयतों को झुठलाते हैं वो लोग दोजख में रहने वाले। अब ये क्या हो गया, والذين كفروا इनकार कर रहे हैं अल्लाह का, और फिर झूठे बातें, वो कज़्ज़बु बिआयतिना आयतों का इनकार कर रहे हैं, तो उन लोग क्या बाई कर ले रहे हैं, उलाइका असहाबुल जहीम, जहीम दोजख की आग को बाई कर रहे हैं। फिर अल्लाह ताला या अय्युहल लज़ीना आमनु उस्कुरु, मोमिनो तुम अल्लाह के इनाम को याद करो जो तुम पर हुआ है, जबकि एक कौम से फिकर में ही कि तुम पर दस्त दराजी करे, सो अल्लाह ने उनके हाथ तुमसे रोक दिए। तो अल्लाह ताला क्या कर रहे थे, उनको रोके, और अल्लाह से डरा करो, और मोमिनीन को अल्लाह ही पर भरोसा करना चाहिए। सो वी ऑल आर मोमिनीन, व अल्लाही फल यतवक्किलिल मोमिनून। तब भी यू नो कभी भी ऐसा दिल में आता कि क्या मेरी बात कैसा, अल्लाह ताला आप मेक इजी करिए, मेरे को इतना डिफिकल्ट हो रहा। समटाइम्स यू नो हम बहुत ज़्यादा ऐसी कोई चीज़ में परेशान हो जाते, जस्ट यू नो ओपन द कुरान एंड रीड इट, अल्लाह विल मेक द थिंग्स ईजी फॉर यू। और एक ना आपके अंदर एक यकीन की कैफियत पैदा हो जाती, क्योंकि अल्लाह की किताब है वो। बेशक अल्लाह बनी इसराइल से अहद ले चुका है आयत नंबर 12 में, और उनमें से हमने 12 सरदार मुकर्रर कर दिए, और अल्लाह ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ अगर तुम नमाज पाबंदी के साथ अदा करो, करते रहो, ज़कात दो, और मेरे रसूलों पर कामिल यकीन रखो और उनकी मदद करते रहो। अगेन देखिए एक उसूल हमेशा याद रखिए, कोई भी शख्स मुसलमान है या मुसलमान कंट्री में बहुत सारे मेक चेंजेस कर रहे हैं, लेकिन अगेन व्हाट इज़ द उसूल, नमाज पाबंदी से पढ़ना, ज़कात देना और रसूलों पर कामिल ईमान। इफ़ दे आर स्टिल डूइंग दैट तो फिर हम उस पर उंगली रेज नहीं कर सकते, क्योंकि दीज डेज मैनी पीपल रेज मैनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दैट। इन दैट कॉन्टेक्स्ट ऑल्सो आई वॉन्ट टू क्लियर दैट, बिकॉज मैनी स्कॉलर्स सेट सो, वैन समबडी इज डूइंग द नमाज एंड यू नो गिविंग द ज़कात एंड बिलीविंग इट, देन नोबडी कैन टेक एनी एक्शन, इवन इफ दे आर डूइंग ऑन द लार्जर स्केल, दे आर मेकिंग चेंजेस इन द स्पेशली इन द सीक्रेट सिटी वी आर टॉकिंग अबाउट। अल्लाह को कर्ज हंसना देता रहा करो तो मैं ज़रूर तुम्हारे गुनाह तुमसे दूर कर दूंगा। मतलब अल्लाह के लिए, फॉर द कॉज ऑफ अल्लाह, फॉर द कॉज ऑफ दीन, इफ यू आर गिविंग द मनी, इफ यू आर गिविंग द एनर्जी, इफ यू आर गिविंग योर टाइम राइट नाउ, अल्लाह विल गिव यू मोर एंड इट विल इंक्रीज। यू आर इन्वेस्टिंग राइट नाउ, आप जो बैठे हुए हैं
क्लास सुन रहे हैं और ये वीकेंड की बात है, दिस इज़ द इन्वेस्टमेंट फॉर द आखिरा, और तुमको यकीनन बागात में दाखिल करूँगा जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी, फिर जो इसके बाद भी कुफर करेंगे तो वो सीधे रास्ते से बहुत ही दूर चले जाएंगे. अगेन यू नो अ पर्सन हु इज़ बिलीविंग एंड एडहेरिंग टू द इस्लाम, लेकिन अगर उससे डिविएट हो गए then that will be you know faqad dalla sawa sabil, to nu bahut dur chal ja rahe, bahut astray ho ja rahe. Ayat number 13 ki isme bataya ja raha hai, to phir unke ahd shikni ki wajah se humne un par lanat ki. लानत क्या है? अल्लाह की रहमत से दूर हो जाना. इसलिए ना नेवर यूज़ दिस वर्ड, अच्छा तुम पे लानत है, उन पे लानत है. दिस इज़ लाइक अ कर्सिंग वर्ड, और कर्स नहीं करना है. एक मोमिन लान तान करने वाला नहीं होता, हमेशा अच्छे कौलन मारूफा कौलन अच्छे बात करना चाहिए. अ पर्सन आस्क के क्या हम चैरिटी करना, चैरिटी में आप कुछ भी पैसे नहीं दे सक रहे हैं, कोई अच्छी बात करो. अगर वो भी नहीं कर रहे हैं तो बोले कि एटलीस्ट बुरे बातों से रुक जाओ. तो ये इतना लिटिल बिट तो कर सकते. हमने उनके दिलों को सख्त बना दिया, वो कलाम को अपनी जगह से हटाकर दूसरी जगह कर देते. मतलब चेंज करना, तहरीफ कर देना कलाम में, दैट्स अ गुना. और जो उनको नसीहत की गई है की गई थी उसका बड़ा हिस्सा तो बिल्कुल भूल चुके, मतलब जो असल बात थी दे रियली फॉरगॉट अबाउट इट. और आपको बिला नागा उनमें से किसी ना किसी के खयानत की इत्तला मिलती रहती है, सिवाय उनके जो इसमें बहुत कम है. सो आप तो उनको माफ़ कर दें और दरगुजर फरमाएं, बेशक अल्लाह नेकी को महबूब रखता है. देखिए इवन दो somebody इज़ डूइंग रॉन्ग अगेन एंड अगेन, उन्होंने गलती पे गलती कर रहे हैं, लेकिन व्हाट अल्लाह इज़ सेइंग इन अल्लाह युहिब्बुल मोहसिनीन, हम सब मोहसिन बनना चाहते, एहसान करना चाहते. तो इवन somebody डिड द गलती, वाफू फॉरगेट इट, फॉरगिव देम, मूव. और हमने उनसे भी अहद लिया था जो अपने आप को नसारा बताते, तो वो भी जो उनको नसीहत की गई थी उसका बड़ा हिस्सा भूल चुके. अगर कोई इंसान नहीं पढ़ा, नहीं प्रैक्टिस करा दीन, तो दे विल फॉरगेट, भूल जाते. और हमने उनके दरमियान आपस में क़ियामत तक के लिए दुश्मनी और कीना पैदा कर दिया, और अल्लाह उनके किए हुए जल्द बता देगा. तो अल्लाह विल शो देम, वसौफ़ा युनब्बिउहुमुल्लाह बिमा कानु यसनउन, जो भी इन लोग कर रहे हैं अल्लाह विल शो देम. आया नंबर 15-18, ए अहले किताब, तुम्हारे पास ये हमारे रसूल आए हैं, किताब में से जो बातें तुम छुपाते हो वो उनमें से अक्सर बातें तुम्हारे सामने साफ साफ बयान कर देते हैं, और बहुत सी चीज़ों से दरगुजर कर देते हैं. तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से एक रोशन चीज़ आई है और एक खुली किताब, इस किताब के ज़रिए से अल्लाह उनको जो राज़े हक की तालिब हो सलामती की राहें बताता है, उनको अपनी तौफीक से अंधेरों से निकालता है. अंधेरे क्या है? जहालत के अंधेरे है, कुरान से पहले जो आपको अंदर अंधेरा रहता, रोशनी की तरफ. एंड व्हाट रोशनी हियर? कुरान और इस्लाम पे आना, और उनको सीधे रास्ते पर कायम रखता है. क्योंकि हम भी चाहते सुबुल सलाम में, और हम चाहते कि जुलुमात से निकल के इला नूर पे जाए, लेकिन वयाहदीहिम इला सिरातम मुस्तकीम. और पहली दुआ हम क्या करते हैं? अहदिना सिरातल मुस्तकीम. आयत नंबर 17 ऑनवर्ड्स, बेशक वही लोग काफिर है जो कहते हैं कि अल्लाह ही मसीह इब्ने मरियम है. आप फरमा दीजिए कि अगर यही बात है तो बताओ कि कौन है जो अल्लाह से बचने का इख्तियार और ताकत रखता. तो अल्लाह सुभान अल्लाह ताला इज सेइंग अल्लाह इज़ वन. व्हाई यू आर सेइंग दैट? इफ़ यू हैव दैट, इफ़ यू आर सेइंग सो, तो फिर किसी के पास कोई ताकत है? अगर अल्लाह ये इरादा कर ले कि मसीह इब्ने मरियम या उनकी वालदा और उन सब को जो ज़मीन में है हलाक करना चाहे, तो किसी की मजाल है कि उससे इरादे से बाज रख सके? और अल्लाह ही की हुकूमत है सारे आसमान और ज़मीन पर, और जो भी इन दोनों में है उन पर वो है जो चाहे पैदा करता है, और अल्लाह हर चीज़ पर पूरी कुदरत रखने वाला है. दिस इज़ इन आया नंबर
17 वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर, सो अल्लाह इज डूइंग एवरीथिंग। और यहूद और नसारा ये दावा करते हैं कि हम अल्लाह के बेटे और उसके महबूब हैं। अल्लाह इज ओनली वन, कुल हु अल्लाहु अहद, अल्लाह का कोई बेटा नहीं है। आप फरमा दीजिए कि फिर वो तुम्हारे गुनाहों के बदले तुमको क्यों अजाब देंगे, बल्कि तुम भी ऐसे मामूली आदमी हो जैसे कि उसकी दूसरी मखलूक है। अल्लाह ही जिसे चाहेगा बख्शेगा और जिसे चाहेगा सजा देगा। तो अल्लाह हैज़ कम्प्लीट अथॉरिटी, और अल्लाह ही की सारी हुकूमत आसमान में भी है, ज़मीन में भी है, और जो कुछ भी उन दोनों में है। हर जगह अल्लाह ही की हुकूमत है और अल्लाह ही की तरफ लौट के जाना है। क्या हम एस्केप हो सकते हैं? ज़मीन, आसमान, कहीं भी चले जाओ, एवरीवेयर। ए अहले किताब, आयत नंबर 19-20 में बताया जा रहा है, तुम्हारे पास हमारे ये रसूल आए आ पहुँचे हैं जो तुमको साफ साफ बयान करते हैं। ये ऐसे ज़माने में आए जब रसूलों का सिलसिला बंद था, ताकि तुम ये ना कहो कि हमारे पास तो कोई खुशखबरी सुनाने वाला और डराने वाला आया ही नहीं। तो आ चुका तुम्हारे पास खुशखबरी सुनाने वाला और डराने वाला, और अल्लाह हर चीज़ पर पूरी कुदरत रखता। तो अल्लाह इज़ रिमाइंडिंग हियर आयत नंबर 19 में कि खुशखबरी देने वाले भी आए, डराने वाले भी आए, लेकिन तुम सुनना नहीं चाह रहे। आयत नंबर 20 और 21, और जब मूसा ने अपनी कौम से कहा, ए मेरी कौम, तुम याद करो अल्लाह के इनामात को जो तुम पर हुए, जबकि अल्लाह ने तुम में से बहुत से नबी बनाए, तुमको बहुत सा मुल्क अता किया, मतलब अथॉरिटी दिए, बहुत ज़्यादा आपको अल्लाह ताला ब्लेसिंग्स दिए, और तुमको वो चीज़ें दी जो तमाम जहान वालों में से किसी को नहीं दिए। तो मूसा अलैहिस्सलाम यहाँ पर रिमाइंड कर रहे हैं कि रिमेंबर करो, अल्लाह सुभान अल्लाह ताला कितने अच्छे नेमतें दिए, अथॉरिटी दिए, फिर भी तुम क्यों नहीं समझते। ऐ मेरी कौम, उस मुतबरक मुल्क में दाखिल हो जाओ, उसको अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दिया है, और पीछे वापस मत चलो कि फिर तुम खसारे में पड़ जाओ। मूसा अलैहिस्सलाम अगेन एंड अगेन उनको समझाते रहते, अच्छा ये गलती हो गई ना, इट्स ओके, नाउ डू दिस एंड डू द इस्लाह। सो अगेन मूसा अलैहिस्सलाम एक्सप्लेन कर रहे हैं उनको, आयत नंबर 22-24, उन्होंने कहा, ए मूसा, वहाँ तो बड़े बड़े ज़बरदस्त आदमी हैं, हम तो हरगिज वहाँ नहीं जाएंगे। अब देखिए, अगेन दे आर डूइंग द इनकार, उनके मुंह पे ही बोल दे रहे नहीं भाई, नहीं जा सकते जब तक वो वहाँ से निकल ना जाए। व्हाट दे आर सेइंग, नहीं, उन लोग वहाँ से एक्सपल हो जाएंगे, निकल जाएंगे। हाँ, अगर वो वहाँ से कहीं और चले जाए, हम बेशक वहाँ जाने के लिए तैयार हैं। देखिए मूसा अलैहिस्सलाम को अगेन उन्होंने कंडीशन रख दे रहे, उन दो आदमियों ने जो डरने वालों में से थे, जिन पर अल्लाह ने फजल किया, हु आर दोज टू पीपल, जो मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम, कहे कि तुम उनके दरवाजे तक चले चलो, सो जब दरवाजे में पहुंच जाओ उसी वक्त तुम गालिब आ जाओगे। तो अगेन से यू नो, जाओ दरवाजे में दाखिल हो जाओ और अल्लाह पर भरोसा रखो अगर तुम ईमान रखते हो। देखिए अगेन, व अल्लाही फ़तवक्किलु इन कुंतुम मोमिनीन। यू नो द की थिंग क्या है, अगर तुम मोमिन हैं तो डू दिस थिंग। अब उन लोग का रिप्लाई क्या है, देखिए आयत नंबर 24, दिस इज तसलसुल इज गोइंग ऑन, एंड यू नो इफ़ यू लुक इन द आयाज यू कुड फॉलो इन अ बेटर मैनर। सूरतुल माईदा आयत नंबर 24 कर रहे हैं, उन्होंने कहा, ए मूसा, हम तो हरगिज़ भी वहाँ कदम ना रखेंगे जब तक वो लोग वहाँ मौजूद है, आप और आपका रब वहाँ चले जाएं, फिर दोनों ही लड़ लीजिए, हम तो यहाँ बैठे रहेंगे। दे आर कम्प्लीटली डूइंग द इनकार, बोल रहे कि नहीं। मूसा ने दुआ की, ऐ मेरे रब, मैं अपनी जान और अपने भाई पर इख्तियार रखता हूँ। तो ऑब्वियसली मूसा अलैहिस्सलाम इज़ सेइंग, क़ाला रब्बी इन्नी ला अमलिकु इल्ला नफ्सी व अखी, मैं अपने पर रखता हूँ इख्तियार और मेरे अखी, मेरे भाई पर इख्तियार रखता हूँ। सो आप हम दोनों और इस नाफरमान कौम के दरमियान फैसला कर दीजिए। अब क्या बोल रहे हैं, फफरुख बैनना व बैनल कौमिल फासिखीन। तो व्हेन यू आर मेकिंग दुआ, मेक दुआ फॉर योरसेल्फ एंड द पीपल हु आर फॉलोइंग द राइटियसनेस, बट इफ
somebody is going and doing the fisk, हद से बढ़ जा रहे हैं, तो मेक दुआ टू अल्लाह सुभान अल्लाह ताला कि अल्लाह ताला ये नाफरमान कौम और हम में एक दरमियान में क्या करो, फैसला कर दो एक. अल्लाह ताला विल यू नॉट डू दैट. मेक दुआ, अल्लाह से रिक्वेस्ट करना चाहिए. आयत नंबर 26-28 इरशाद हुआ कि ये मुल्क उनके हाथ में 40 बरस 40 ईयर्स तक ना लगेगा, बेकार परेशान और हैरान फिरते रहेंगे. सो आप इस नाफरमान कौम पर गम ना कीजिए. जस्ट लिसन टू दिस हाउ इट इज, कीप ऑन रिक्वेस्टिंग कर रहे हैं मूसा अलैहिस्सलाम, व्हाट दे आर सेइंग, इनकार पे इनकार. तो अगेन फरमाया जा रहा है कि 40 इयर्स दे विल बी वॉन्डरिंग हियर एंड देयर. और आप इन अहले किताब को आदम के दो बेटों का किस्सा, अब यहाँ पर ना जो दो बेटे थे ना, हाबिल और काबिल, तो पहले के ज़माने में क्या होता था कि कोई भी अगर आप कुर्बानी देते थे तो एक फायर आता था, वो कंज्यूम कर लेता था और आपकी कुर्बानी कबूल हो जाती. और कुर्बानी दिल से करना चाहिए, कोई चीज़ भी अल्लाह के रास्ते में दे रहे तो प्योर होना, अच्छी होना, सही चीज़ देना चाहिए. तो एक अच्छी कुर्बानी दिए तो उसकी एक्सेप्ट हो जाती और दूसरे की नहीं होती. तो दिस इज़ लाइक अ जेलसी. और दूसरा पर्सन बोलता कि मैं तुमको किल कर दूंगा. तो पहला पर्सन बोलता कि इवन दो यू विल किल मी, आई विल नॉट रेज माई हैंड. तो ये एक हदीस भी है जिसमें बताया जाता कि इफ़ यू बोथ वॉन्ट टू किल ईच अदर, मतलब दोनों भी मर्डरर में आ जाएंगे. इफ़ समबडी इज किलिंग तो अपना बचाव तो कर सकते, बट यू शुड नॉट किल दैट पर्सन, यू नो, फिर आप भी मर्डरर में आ जाते. यू शुड प्रोटेक्ट योर सेल्फ. बट यहाँ पर क्या होता, उसका उसका नफ्स गालिब आ जाता और उन्हें किल कर देता. और आप इन्हें अहले किताब को आदम के दो बेटों का किस्सा पढ़कर सुना दीजिए. जब दोनों ने अपनी अपनी नज़र मानी, उनमें से एक ही नज़र कम मकबूल हो गई और दूसरे की नज़र ना मकबूल हुई, मतलब एक की एक्सेप्ट हुई नज़र, दूसरे की नहीं हुई, और दूसरे की नज़र ना मकबूल हुई, तो वो दूसरे ने कहा कि मैं तो तुझको ज़रूर कत्ल करूँगा. उसे पहले वाले ने जवाब दिया कि अल्लाह मुत्तकियों का अमल कबूल करता है. सो लुक एट द आंसर. तो वो एक पर्सन क्या बोल रहा है, दे आर ब्रदर्स टू ईच अदर. वन इज सेइंग कि नहीं मैं तुमको तो किल कर दूंगा. ला लख तू लन्न का मतलब नून है, मुशद्दद है, मतलब श्योरली डेफिनेटली मैं तुमको किल करूँगा. तो फिर भी क्या जवाब आ रहा, काला इन्नमा यकबलू अल्लाह मिन मुत्तकीन. बोल रहे कि नहीं, अल्लाह ताला कबूल क्या करता, मुत्तकीन का. तो वी हैव टू बी मुत्तकीन, हम ऐसी चीज़ देना है जो पाक है, अल्लाह पाक है, और पाकिज़ा चीज़ और अच्छी चीज़ देना है. अगर तू मुझ पर दस दराजी करेगा ताकि तू मुझे कत्ल कर दे, तो मैं फिर भी तुझ पर दस दराजी करने वाला नहीं, मतलब आई विल नॉट रेज माई हैंड, और तुमको कत्ल करूँ. मैं तो अल्लाह से डरने वाला हूँ जो सारे जहान का मालिक है. वॉट वॉज द आंसर, कि अगर तुम मेरे को किल भी करना चाह रहे हैं, इन्नी अखाफुल्लाह रब्बल आलमीन, मैं तो अल्लाह से डरता हूँ, मैं अपना हैंड रेज नहीं करूँगा तुम्हारे ऊपर. मैं तो ये चाहता हूँ कि तू मेरा और अपने सब गुना अपने सर रख ले, फिर तू दोज़खियों में शामिल हो जाएगा. और यही सज़ा हुई जुल्म करने वालों की. दिस वॉज द फर्स्ट एवर मर्डर ऑन द अर्थ. लेकिन अब जितने भी मर्डर्स होंगे वो उसी के ऊपर आएंगे, क्योंकि ही डिड द रॉन्ग थिंग. सो उसके दिल ने उसको अपने भाई के कत्ल पर आमादा कर दिया, फिर उसको कत्ल ही कर दिया, फिर वो नुकसान उठाने वालों में से शामिल हो गया. फिर अल्लाह ने एक कौवा भेजा. अब ये कौवा भी क्या कर रहा, अपने पैर से मिट्टी हटा के ढाक दे रहा एक दूसरे मरे हुए कौवे को. तो इससे क्या मालूम होता, तदफीन कैसा करना. अब वो रियलाइज करता, हाय अफसोस, मेरे को तो इतना भी नहीं मालूम, मैं तो मर्डर कर दिया, मैं अब इसको कैसा उसकी तदफीन करूँ. फिर अल्लाह ने एक कौवा, आयत नंबर 31 ऑनवर्ड्स सूरतुल माईदा, भेजा. वो जमीन को खोदता था ताकि वो उसको किसी तरह उसको बरी करने के लिए, लाश को छिपाने के लिए. फिर वो अफसोस करने लगा, हाय अफसोस, मैं कितना बदतर हूँ कि मैं इस कौवे से भी गए गुजरा हूँ, और कि ये कौवा तो कैसा छुपा रहा है. एंड यू नो ही सो शर्मिंदा राइट नाउ. सो इसी वजह से हमने बनी इसराइल पर ये लिख दिया कि जो शख्स किसी को दूसरे शख्स को कत्ल या ज़मीन में किसी फसाद की वजह से बग़ैर मतलब कत्ल करे, तो गोया उसने तमाम आदमियों का कत्ल करा. मतलब देर वॉज नो रीज़न, अगर किसी को कत्ल कर दे रहे हैं, किल कर दे रहे हैं, तो उनके लिए क्या है,
उनके लिए तमाम आदमियों का कत्ल कर देना है। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या बयान होती, अपना सेल्फ प्रोटेक्शन तो कर सकते हैं लेकिन यू कैन नॉट किल द अदर पर्सन। एंड यू नो प्योरिटी इम्पॉर्टेंट है, और जो किसी की ज़िंदगी बचा ले तो गोया कि उसने तमाम आदमियों को बचा लिया। इसलिए जो वर्डिक्ट लेते ना, तो जस्टिस बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक इंसान अगर समझिए कि उसको उन्हें मतलब इनोसेंट था, इनोसेंट को बचाना भी इट्स लाइक प्रोटेक्टिंग द होल पीपल। और बनी इसराइल के पास हमारे बहुत से रसूल खुली निशानियां लेकर आए, फिर भी बहुत से उनमें से दुनिया में ज्यादती करने वाले थे। इवन दो मैनी रसूल्स वेर सेंड, लेकिन फिर भी इन लोगों का क्या था, ज्यादती पे ज्यादती करते जा रहे थे। आयत नंबर 32 में बताया जा रहा। तो यहाँ पर अल्लाह सुबहान अल्लाह ताला वन आफ्टर अनदर मैनी रसूल्स को भेजे, लेकिन अब उसमें क्या है, कुछ बहुत चोजन रसूल्स भी थे और उलुल अजम भी थे। तो ये सारे चीज़ें क्यों भेजे अल्लाह सुबहान अल्लाह ताला, बनी इसराइल को बताने के लिए क्लियर प्रूफ्स भेजे, लेकिन अगेन दे डोंट वांट टू लिसन टू देम, बिकॉज इन लोग करप्शन इन द लैंड करना चाह रहे थे, किलिंग करना चाह रहे थे और प्रॉफिट्स को एग्जाइल कर दे रहे थे। ये सारे चीज़ें फॉरबिडन थे, मना किए गए अगेन एंड अगेन। आयत नंबर 33 एंड 34 में बताया जा रहा है, जो अल्लाह से और उसके रसूल से लड़ते हैं और मुल्क में फसाद फैलाते रहते हैं, तो उनकी वही सज़ा है कि उनको कत्ल किया जाए या सूली दी जाए या उनके हाथ पांव मुख्तलिफ जानिब से काट दिए जाए, ये ज़मीन पर से निकाल दिया जाए। ये उनके लिए दुनिया में सख्त रुसवाई और उनके लिए आखिरत में अजाब अजीम है। वाई दिस अजाब, यू नो, बिकॉज किलिंग समबडी विदाउट एनी रीज़न, दैट इज़ फॉरबिडन हियर। तो मगर जो गिरफ्तार होने से पहले तौबा कर ले तो जान लो कि बिलाशुबा अल्लाह बख्शने वाला और बड़ा रहम करने वाला। तो यहाँ पर क्या है, कोई भी इंसान गलत काम करा और पकड़े जाने से पहले वो अपनी माफ़ी तलाबी और तौबा कर ले तो वो क्या है, एक मौका है, वो खुद से करा, ये उसको कोई बोलना नहीं पड़ा। अब फिर आगे आयत नंबर 35 ऑनवर्ड्स बताया जा रहा है सूरतुल माईदा, मोमिनो अल्लाह से डरते रहो और अल्लाह के कुर्ब का वसीला तलाश करो, अल्लाह ही के रास्ते में निकलो ताकि तुम कामयाब होने वाले बन जाओ। अल्लाह के रास्ते में निकलना क्या है, हम औरतों के लिए, ख़वातीन के लिए क्या है, जो बैठ के हम जो भी दुरूस सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, अच्छी परवरिश करना, लोगों को दीन पहुंचाना, दिस इज़ आल्सो गोइंग इन द वे ऑफ अल्लाह सुभान अल्लाह ताला। लेकिन यहाँ पर लिटरल मीनिंग है गोइंग इन द वे ऑफ अल्लाह। अगर काफिरों के पास दुनिया की तमाम चीज़ें हों और उन चीज़ों के साथ उतनी ही चीज़ें और भी हो ताकि वो उसको देकर क़ियामत के अजाब से छूट जाएं, उस वक्त भी वो चीज़ें हरगिज़ उनसे कबूल नहीं की जाएंगी और उनके लिए दर्दनाक अजाब। मतलब अगर रैंसम में काफिर समझो कि पूरी दुनिया का मालो मता देना चाह रहे हैं, बट इट विल नॉट बी एक्सेप्टेड। आयत नंबर 37-40, काफिरीन ये ख्वाहिश करेंगे कि दोजख से निकल जाए और वो इससे कभी ना निकलेंगे और उनके लिए दायमी अजाब ही होगा। मतलब दिस इज़ लाइक अ कंटिन्यूटी अजाब में। अब यहाँ पर चोर मर्द और औरत के बारे में बताया जा रहा, वसारिखु वसारिखतु, चोर मर्द चोर औरत जो चोरी करे सो उसके हाथ काट डालो, ये उनके कामों की सज़ा है जो अल्लाह की तरफ से इबरत के लिए, और अल्लाह ज़बरदस्त गालिब और बड़ी हिकमत वाला है। एक हदीस में आता कि कोई इंसान चोरी करता ना, फौरन वो पकड़े नहीं जाता और वो बोलता कि नहीं नहीं मैं अभी कर रहा था, दैट इज़ रॉन्ग। उमर ख़त्ताब बोलते जो चोरी करता उसकी एक हैबिचुअल आदत बन जाती, जब वो आदत से नहीं निकलता तो वो पकड़े जाता। आप चोरी कर रहा कोई इंसान, मर्द हो या औरत, इट कैन बी एनी काइंड ऑफ चोरी, ओके। आजकल क्या है, ऑनलाइन पैसे चुरा लेना, इट्स मोस्ट कॉमन दीज डेज। यू माइट हैव सीन कि जो ऐप्स हम यूज़ करते हैं मनी ट्रांसफ़र करने के लिए, कितने लोग उसका गलत फ़ायदा उठा के चोरी कर रहे हैं। यू नो चोरी इज़ चोरी, तो हैबिचुअली करते चोरी करना एक बुरी आदत हो जाती, और चोरी करने के लिए एक सज़ा है, और वो सज़ा क्यों दी गई है, इबरतनाक उसके लिए। एंड ऑल्सो वी शुड लर्न दिस, अगर कोई इस्लामिक लॉ है वहाँ पर अगर है तो उसको हम कोई बात नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि
चोरी इज़ अ रॉन्ग थिंग, एक पनिशमेंट है उसके लिए। जो गुनाह के बाद तौबा कर ले और अपनी इसलाह कर ले तो बेशक अल्लाह उसकी तौबा कबूल करता है, बेशक अल्लाह बख्शने वाला और रहम वाला है। अगेन यू नो, इवन दो कोई बात भी हो, चोरी क्यों ना हो, गुनाह कर लें तौबा कर लें तो अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है। आयत नंबर 40-41, क्या तुमको मालूम नहीं है कि अल्लाह ही तो है जिसकी सल्तनत आसमान और ज़मीन में फैली हुई है, जिसे चाहे वो अजाब दे और जिसे चाहे बख्श दे, और अल्लाह तो है ही हर चीज़ पर पूरी कुदरत रखने वाला। तो अल्लाह सुभान अल्लाह ताला जिसे चाहे छोड़े और जिसे चाहे पकड़े। बट वॉट इज़ द की थिंग, अगर आपके अंदर रिग्रेट है, रिमॉर्स है, फिर आप वो गलती दोबारा नहीं कर रहे तो अल्लाह विल फॉरगिव यू। या यू हर रसूल, आयत नंबर 41 सूरतुल माईदा, ए रसूल आपको रंज में ना डाले वो लोग जो कुफर में जल्दी करते हैं, इन में से जो मुंह से तो कहते हैं कि हम ईमान ले आए लेकिन दिल से वो मोमिन नहीं। मतलब वर्बलाइज कर रहे हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह लेकिन एक्चुअली इनसाइड द हार्ट उन्होंने नहीं कर रहे। और इससे क्या हो रहा था, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा रंज, गम, दुख, तकलीफ़ हो रही थी। और उनमें से जो यहूदी है झूठ बातों के लिए ये जासूसी करते हैं, और ये जासूस है दूसरे लोगों के, जो भी जो अभी आपके पास नहीं आए सही बातों को उनकी जगह से बदल देते हैं साबित होने के बाद, और उनसे कहते हैं कि यही हुक्म मिला तो उसे कबूल कर लेना, अगर ये हुक्म ना मिले तो फिर परहेज करना, और अगर अल्लाह किसी को गुमराह करना चाहे। अब आई विल स्टॉप हियर बिकॉज इट इज़ अ लॉन्गर आया, तो लेट मी एक्सप्लेन दिस मच। तो इन लोग क्या करते थे, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाके एक वर्डिक्ट लेते थे, अगर उनके मतलब का रहता तो दे वुड टेक दैट, हाँ अगर उनके मतलब का नहीं है, उनके फेवर में नहीं है, अगेन दे वुड गो टू द अदर पीपल। सो दिस हैपेंड, इवन उमर खत्ताब नोटिस दिस एंड ही सेड कि इनकी गर्दन मारनी चाहिए कि एक बार प्रॉफिट से ले लिए वर्डिक्ट, फिर हाउ कैन दे गो टू द अदर पीपल। तो दैट इज़ द थिंग मेंशन ओवर हियर, किसी को गुमराह करना चाहे तो फिर तुमको ज़रा भी इख्तियार नहीं कि तुम हिदायत दो। ये वो लोग हैं, अल्लाह नहीं चाहता कि उनके दिल पाक हो, उनको दुनिया में भी रुसवाई है और आखिरत में भी बड़ा अजाब है। तो ये लोगों का क्या है, इनकी प्रॉब्लम क्या है, इनका दिल ही साफ नहीं है। तो अब इन लोग क्या कर रहे हैं, इधर से उधर पूछते जा रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर क्या है कि हमारे मतलब का वर्डिक्ट मिल जाए। तो अल्लाह सुभान अल्लाह ताला इज़ सेइंग नो, इनको फिर दुनिया खिज़्यून, इनके लिए मौकरी होंगी, इनका मजाक ही उड़ेगा, क्योंकि इनके दिल पाक ही नहीं है। युताहिरु कुलूबहुम है इनका, लहुम फिल आखिरत अज़ाबुन नज़ीम, इनके लिए क्या होगा, ग्रेटर पनिशमेंट होगी। आयत नंबर 42 अनवर्स, ये झूठी बातें सुन के आदी है और हराम माल खाने वाले हैं, अगर ये लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो आप उनमें से फैसला कर दें, ये उनसे एराज करें, अगर आप उनसे एराज करेंगे तो वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, आप अगर फैसला करना चाहे तो फैसला इंसाफ के साथ कीजिए, बेशक अल्लाह तो इंसाफ करने वालों को दोस्त रखता है, इन अल्लाह युहिब्बुल मुक्सितीन। तो यहाँ पर क्या हुआ कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ रहे हैं, अपने मतलब का वर्डिक्ट लेना चाह रहे हैं। तो हियर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज बीइंग गिवन द हिदायत के देखो, अगर जो सही वर्डिक्ट है तुम वो सही वर्डिक्ट दे दो, डोंट से एनीथिंग यू नो। तो यहाँ पर किसी की भी बात है, कोई भी शख्स आ रहा और वो कुछ हमसे पूछना चाह रहा, सही को सही बताना है, गलत को गलत बताना है, इसमें अब अपन सोचना नहीं है कि नहीं ये क्या होगा वो क्या होगा, क्योंकि इम्पॉर्टेंट क्या है, सही और गलत बहुत इम्पॉर्टेंट है, ऐसी चीज़ नहीं करना चाहिए, चाहे अब कोई भी चीज़ गलत माल, गलत चीज़ें, गलत बात, वो सिर्फ आग का घड़ा भरने वाले है, तो हम दोजख का आग में जाना नहीं चाहते। ये झूठी बातें सुने के आदी है और हराम माल खाने वाले हैं, अगर ये लोग आपसे ये, तो ये बताया जा रहा कि नहीं, इफ़ दे आर आस्किंग फॉर द वर्डिक्ट गिव द करेक्ट वर्डिक्ट, आयत नंबर 43-45, और ये आपसे कैसा फैसला कराएंगे जबकि उनके पास तौरात है, इसमें अल्लाह का हुक्म मौजूद है, फिर इसके बाद भी इससे फिरते जाते हैं, ये लोग ईमान ही नहीं रखते। वाई इज़ इट सो, बिकॉज दे डोंट हैव ईमान। हमने तौरात नाजिल की थी, उसमें हिदायत और रोशनी थी, अंबिया जो अल्लाह की मुती और फर्माबरदार थे,
और उसके मुताबिक यहूद को हुक्म दिया करते थे और अहलुल्लाह और उलमा भी इस वजह से कि उनको ये हुक्म था कि वो अल्लाह की इस किताब की हिफाजत और निगरानी करेंगे और वो उनके शाहिद थे। तो तुम भी लोगों से ना डरा करो और मुझसे ही डरो और मेरे अहकाम के बदले में थोड़े फ़ायदे की चीज़ें मत खरीदो और जो अल्लाह के अहकाम के मुआफ़िक जो अल्लाह ने नाजिल किया है फैसला ना करेंगे तो यही लोग काफिर है। तो यहाँ पर अगेन एंड अगेन वही बात बयान की जा रही है कि देखो जो अहले किताब है उन लोग बहुत सारे उसमें चेंज कर दे रहे हैं इवन दो उनको नहीं करना चाहिए और अल्लाह ताला अगेन सेइंग कि मुझसे डरो लोगों से मत डरो। तो एक राइचियसनेस क्या है, पाइटी क्या है, अल्लाह से डरना है, लोगों से डरना नहीं है। लोग क्या बोलेंगे ये बोलने से वो बोलने से, और समटाइम्स क्या होता हम खामोश हो जाते, बोलते कि हिकमत, दैट्स नॉट हिकमत, दैट इज़ बुज़दिली। और हमने इसमें ये फ़र्ज कर दिया था कि जान के बदले जान, आँख के बदले आँख, नाक के बदले नाक, कान के बदले कान, दांत के बदले दांत और ख़ास जख्मों का भी बदला है। फिर जो इसको माफ़ कर दे तो वही उसका कफ़ारा है और जो अल्लाह के नाजिल किए हुए अहकाम के मुताबिक हुक्म ना करे तो वही जालिम में शुमार होंगे। अब देखिए आयत नंबर 45, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बदला तो ले सकते जान के बदले जान, नाक के बदले नाक, हाँ आँख के, बट वॉट इफ़ यू फॉरगिव। अब जब हम किसी को फॉरगिव कर देते ना, इवन दो दे डिडंट आस्क द फॉरगिवनेस, तो क्या होता आपके दिल में जो आग लगी हुई है ना वो आग ठंडी हो जाती। द अदर डे आई वॉज लिसनिंग टू वन ऑफ द स्पीकर एंड शी वॉज सेइंग के एक पर्सन था उसके बेटे को किल कर दिए थे। तो वो पर्सन जाके, ये मुस्लिम ब्रदर की बात हो रही, तो वो मुस्लिम ब्रदर जाके सर्च करे ढूंढे के वो बच्चे को, उनका यंग बच्चा अर्ली 20s में था, उसको किल कर दिए। लेकिन वो मर्डरर को ढूंढे नो और उसको बोले कि आई फॉरगिव यू फॉर द सेक ऑफ अल्लाह। कैन यू बिलीव दिस, ये कौन कर सकता जिसके अंदर अल्लाह का डर हो एंड ही सेइंग दैट मे अल्लाह फॉरगिव यू। सो दैट इज़ द पर्सन एंड द वे दैट हैज़ बीन मैंशनड, सुभान अल्लाह। इसके लिए आपके दिल में अल्लाह का डर और वो मोहब्बत, तो वेन यू फॉरगिव समबडी तो आप देखिए दिल में कितना सुकून, ठंडक और सुकून की नींद। अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं मैं बदला लूँगी, ये करूँगी वो करूँगी, ठीक है आप खामोश हो जाइए, लेकिन लीव इट ऑन अल्लाह एंड फॉरगिव दैम। और हमने उनके बाद इसको भी भेजा जो अपने से पहले नाजिल शुदा किताब तौरात की तस्दीक करते थे और हमने उनको इंजील अता की थी जिसमें हिदायत थी और रोशनी थी और वो अपने से पहले की किताब तौरात की भी तस्दीक करते थे और वो अल्लाह से डरने वालों के लिए हिदायत और नसीहत है। अगेन यू नो प्रीवियस स्क्रिप्चर्स की बात हो रही और उस पर भी हमको बिलीव करना है, बट दिस इज़ टॉकिंग अबाउट द ऑथेंटिक वन, आयत नंबर 47-50 सूरतुल माईदा। और इंजील वालों का ये फ़र्ज है कि वो उसके मुआफ़िक फ़ैसला करे जो उसमें अल्लाह ने नाजिल फरमाई है, और जो भी उसके मुआफ़िक फ़ैसला नहीं करेगा जो अल्लाह ने नाजिल किया है तो वो नाफरमानों में से है। दिस इज़ लाइक यू नो फौलाए का हुमुल फासिखुन। देखिए कितने टाइम्स मेंशन किया गया जा रहा है कि फासिख मत बनो, फिस्क मत करो, हद से मत बढ़ जाओ। और हमने आप पर ये किताब नाजिल की जो बाज़ाते खुद भी सच्ची है और इससे पहले उतरने वाली सब किताबों की तस्दीक करती है और उनके मुहाफिज भी है। तो उनके पास के मामलात का इसी किताब के मुआफिक फैसला फरमा दीजिए और जो दीन हक आपकी तरफ आया है उससे दूर होकर उनकी ख्वाहिशात की मुआफिक अमल ना कीजिए। मतलब इवन दो उन लोग अपनी जो भी ख्वाहिश कर रहे हैं, डोंट फॉलो देम। तुम में से हर एक के लिए हमने ख़ास शरीयत और ख़ास तरीक़े बना दिए हैं और अगर अल्लाह चाहता तो सबको एक ही उम्मत बना देता, लेकिन अल्लाह तुमको आजमाना चाहता है उस दीन में जो तुमको दिया है। तो अच्छी बातों की तरफ दौड़ कर आओ, तुम सबको अल्लाह की तरफ लौट कर जाना है, फिर वो तुमको सब कुछ बता देगा जिनमें तुम इख्तिलाफ करते हो। अगेन यू नो शरीयत की बात हो रही, सब वननेस ऑफ अल्लाह के ऊपर ही लेके आए। इवन दो डिफरेंट प्रॉफिट्स कम इन डिफरेंट एरास
और हम ताकीद करते हैं कि तुम उनमें से उसके मुताबिक फैसला करो जो तुम पर नाजिल किया है, आयत नंबर 49 में, और उनकी ख्वाहिशात की पैरवी ना करो और उनसे बचा रहा करो, वो तुमको गुमराह ना कर दे बाज बातों में जो अल्लाह ने तुम पर नाजिल की है, फिर अगर वो ना माने तो जान लो कि अल्लाह चाहता है कि उनके गुनाहों के सबब उन पर मुसीबत नाजिल करे और लोगों में से बहुत से नाफरमान हैं। अगेन यू नो अल्लाह इज़ इंस्ट्रक्टिंग हियर कि नहीं उनकी बातें मत मानो, उनके बातों में डिविएट मत हो जाओ। बस लोगों की बातें इतनी मिठास की रहती, डोंट गेट कैरिड अवे बिकॉज प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज सच अ इनोसेंट पर्सन, सो ही वाज बीइंग गिवन द इंस्ट्रक्शन ओवर हियर, आयत नंबर 50 और 51। तो क्या वो जहालियत के ज़माने के का हुक्म चाहते हैं? और यकीन रखने वालों के लिए अल्लाह से अच्छा फैसला किसका होगा? मोमिनों, तुम यहूदियों या नसारों को दोस्त ना बनाओ, वो आपस में तो एक दूसरे के दोस्त है, और तुम में से जो उनको दोस्त बनाएगा तो बेशक वो उन्हीं में से होगा, बेशक अल्लाह उनको हिदायत नहीं करता जो खुद ही अपने ऊपर जुल्म करता है। अब यहाँ पर क्या बात हो रही ना अहले ईमान के साथ कि यहूद और नसारा को क्लोज प्रोटेक्टिंग फ्रेंड मत बना लो, जैसा आपका दिल ही दोस्त जो रहता, यू नो आप दूर से आपके कोई कलीग है या आप किसी के साथ काम करें, बट डोंट गेट सो मच इनटू इतने डेप्थ में जाके, बिकॉज दे विल हैव द हेट्रेड टुवर्ड्स यू बिकॉज यू आर अ मुस्लिम, बिकॉज यू हैव द ईमान। फिर तुम देखते ही हो कि उनके जिनके दिलों में मर्ज है दौड़ दौड़ कर उनमें जाते हैं, कहते हैं कि हम को खौफ है कि हम पर कोई हादसा ना पड़ जाए, सो करीब है कि अल्लाह मुकम्मल फता फला दे या कोई और हुक्म अपने पास से भेज दे, फिर अपने दिल के पोशीदा ख्यालात पर नादिम होंगे और मोमिनों हैरत से कहेंगे कि ये वो नहीं है जो अल्लाह की सख्त सख्त हजम खाया करते थे, हम तुम्हारे साथ हैं, उनके सारे आमाल बर्बाद हुए जिससे वो खसारे में पड़ जाएंगे। वल्लाही तल्लाही लोगों की एक आदत बन जाती, लेकिन क्या कर रहे हैं ना, झूठ बोल रहे लोग। तो मोमिनों, जो तुम में से अपने दीन से फिर जाए तो अल्लाह बहुत जल्द ऐसी कौम पैदा कर देगा जिनसे अल्लाह मोहब्बत करता है। देखिए यहाँ पर अगर हम फॉलो नहीं करें ना, अल्लाह विल रिप्लेस द होल कौम। वी नीड अल्लाह सुभान अल्लाह ताला बिकॉज वी आर फकीर, अल्लाह इज गनी, अल्लाह डोंट नीड अस, और वो अल्लाह से मोहब्बत करेंगे, मोमिनीन पर नरम दिल होंगे और काफिरों पर सख्त दिल होंगे। वी हैव टू बी नरम दिल ऑन द मोमिन एंड सख्त दिल ऑन द काफिर। वो अल्लाह के रास्ते में निकलेंगे और वो मामलात करने वालों की मामलात से नहीं डरेंगे, ये अल्लाह का फजल है जिसे चाहता है देता है, और अल्लाह तो बड़ी वसत वाला और खूब जानने वाला है। दिस इज़ लाइक अ यू नो फजल ऑफ अल्लाह, बाउंटी है ये अल्लाह की तरफ से। तो यू नो व्हेन यू आर गोइंग इन द वे ऑफ अल्लाह और मोमिनों का मामला जो है, तो यू नो हम एक नरम दिल होना चाहिए। एक मोमिन का दिन बहुत नरम रहता है, स्पेशली जब आप मिल के दीन का काम कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए मोहब्बत होना चाहिए, नफ़रतें गलत बातें, बिकॉज यू नो व्हेन यू हैव दैट दीन मूंडा जाता। तुम्हारे दोस्त तो अल्लाह और उसका रसूल और ईमान वाले लोग हैं जो नमाज पढ़ते हैं, ज़कात देते हैं और अल्लाह ही के आगे झुकते हैं। देखिए आयत नंबर 55, हाउ मेनी टाइम्स टुडे इट हैज़ बीन मेंशन के नमाज एंड ज़कात एंड वननेस ऑफ अल्लाह, मोर देन 3 times। तो दैट इज़ द थिंग वी लर्न हियर। और जो अल्लाह और उसके रसूल और मोमिनीन से दोस्ती करेंगे तो अल्लाह की जमात ही गालिब पाने वाली है। यू नो यू हैव टू डू द दोस्ती विद जो अल्लाह और रसूल। हम राइचियस कंपनी क्यों चाहते हैं राइट नाउ, वाई वी वॉन्ट आवर कंपनी, डजेंट मैटर हु इज़ वॉट एज, बट वॉट इज़ सो इम्पॉर्टेंट के राइचियस कंपनी। एक इंसान अपनी एज ग्रुप भी छोड़ देता, क्यों? उसको राइचियस कंपनी इम्पॉर्टेंट है। तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि हम अपने दोस्त के दीन पर रहते। दोस्त का दीन क्या है? चाहे वो अपने पेरेंट्स हो, अपने ग्रैंड पेरेंट्स हो, आपके जिसके साथ आप गेट अलॉन्ग होते, तो वो किस दीन पे है? अगर वो सिर्फ दुनियादारी में है तो आप भी थोड़े दिन के बाद वही हो जाएंगे, वही दुनियादारी में हो जाएंगे और वही आप स्टेटमेंट्स करना चाहेंगे। फिर वो क्या रहेगा? वो अंदर राशिक होना फिर इल्म नहीं होगा, वो डीपली रूटेड इल्म नहीं रहेगा, ऊपर ऊपर रहेगा, जैसा बारिश हुई बड़े बड़े ट्रीज निकल के चले गए वैसे हो जाएगा। तो हमको अंदर से लाना है तब्दीली। मोमिनों,
तुम अपने दोस्त ना बनाना उन अहले किताब को जो तुम्हारे दीन को हंसी और खेल बनाते हैं, और ना काफिरों को, अल्लाह से डरते रहो अगर तुम ईमान वाले। आयत नंबर 57, व्हाट इट रिमाइंड्स, कोई भी है दीन का मजाक उड़ा रहे हैं, कभी कुछ कभी कुछ गॉड बोल रहे हैं या कुछ भी बोल रहे हैं, अल्लाह तो एक है और मजाक उड़ा रहे हैं, और उस महफिल में आप शामिल है और मजाक में हंस रहे हैं भी, दैट्स नॉट राइट, यू हैव टू गेट अवे फ्रॉम इट, या अनटिल अनलेस वो टॉपिक चेंज हो जाए। कभी भी अल्लाह रसूल या शायर अल्लाह के पर मजाक नहीं, हिजाब का मजाक उड़ा रहे हैं, नकाब का मजाक, दाढ़ी का मजाक, मुसलमान होने का मजाक, या कोई राइचियसनेस का मजाक नहीं करना चाहिए। आयत नंबर 58-60 सूरतुल माईदा, और जब तुम नमाज के लिए ऐलान करते हो तो वो उसको हंसी और खेल बनाते हैं, उसका सबब ये है कि वो अकल नहीं रखते। यू नो व्हेन समबडी इज़ नॉट हैविंग द अकल, आप कह दीजिए कि तुम हम में कौन सी बात मायूब पाते हो, बावजूद इसके कि हम अल्लाह पर ईमान लाए हैं और उस और इस किताब पर जो हमारे पास आई है, और उस पर भी जो पहले आ चुकी है, बावजूद इसके तुम में अक्सर नाफरमान और बागी है। तो यू नो नॉट ओनली बिलीविंग इन कुरान, प्रीवियस स्क्रिप्चर्स है, तौरा, इंजील, ज़बूर, यू हैव टू बिलीव इन दैट, क्योंकि स्टार्टिंग सूरतुल बकरा में क्या है, जो मुफलीहून है तो वो सब पे ईमान लाते, गैब पे ईमान लाते, और पहले प्रीवियस स्क्रिप्चर्स पे भी ईमान लाते। आप कह दीजिए कि क्या मैं तुमको बता दूं कि अल्लाह के हाँ इससे भी ज़्यादा बुरी जजा पाने वाले कौन हैं, ये वो है जिन पर अल्लाह की लानत हो, उन सब का बहुत बुरा ठिकाना होगा और सीधा रास्ते से बहुत दूर होगा। वाई लानत, क्योंकि इन लोग इनकार कर रहे हैं अल्लाह का, रसूल का, प्रॉफिट्स का और दीन का, और जब वो तुम्हारे पास आते हैं तो कहते हैं हम ईमान ले आए, हालांकि वो कुफर है, कुफर लेकर आए थे, कुफर ही लेकर चले जाएंगे, अल्लाह तो खूब जानता है, वो पोशीदा रखते। यू नो इन लोग प्रिटेंड कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, तो अल्लाह इज सेइंग अल्लाह नोज, आलमो बीमा कानू यक तुमुन, तुम कतमा मतलब छुपा रहे तुम अंदर, लेकिन अल्लाह नोज अबाउट इट। और आप देखते हैं उनमें से बहुत सों को जो गुनाह, जुल्म और हराम खाने पर दौड़ दौड़ कर गिरते पड़ते हैं, बेशक उनके सारे काम बुरे हैं। यू नो दे आर डूइंग रॉन्ग थिंग्स वन आफ्टर अनदर, सो वाई दे आर डूइंग, बिकॉज दे आर इनग्रोस्ड इन द रॉन्ग। उनको ये बड़े बड़े मशायख और उलमा गुनाह की बात कहने से और हराम माल खाने से कोई नहीं रोकते, वाकई उनकी ये आदत बुरी है। यू नो दे आर डूइंग रॉन्ग बिकॉज उलमा भी क्या चाहते, हमारा अपना घर चले, हमको ये समनन खलीला एक पेटी प्राइस मिल जाए। तो वी हैव टू चेक अवर सेल्फ एज अ मुस्लिमा, एज अ मोमिन, हम क्या अपना घर चलाने के लिए अगर हम किसी से भी फंड्स भी रेस कर रहे हैं, फॉर एनी, व्हेन यू आर गिविंग कर्ज हसना फॉर द कॉज ऑफ अल्लाह, चेक योरसेल्फ, इज़ इट यू आर गोइंग टू गिव द पर्सन हु इज सेइंग के वो दीनी इदारा चला रहे हैं उसके लिए है या किसके लिए है। बिकॉज अ पर्सन हु इज़ अ इंटेलेक्ट उलुल अलबाब हैव टू मेक श्योर कि आप जो अपने खुद हाथ से चैरिटी करते ना, तो मेक श्योर करिए कि हमारा पैसा कहाँ जा रहा, क्योंकि पहले हक बनता रिश्तेदारों का, फिर बाद में दूसरों का बनता। तो वी हैव टू चेक अवर सेल्फ। और यहूद ने कहा कि अल्लाह के हाथ तंग हो गए हैं और उन्हीं के हाथ तंग है और उन्हीं के ऐसा कहने के सबब अल्लाह की बरकतों और रहमतों से बहुत दूर हो गए हैं, बल्कि अल्लाह के दोनों हाथ खुले हुए, वो जिस तरह चाहता है खर्च करता है और वो जिस चीज़ को तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे पास भेजी जाती है उनमें बहुत की सरकशी और कुफर में ज्यादती करते हैं, और हमने उनमें से बहम अदावत और बुग़्ज़ क़यामत तक के लिए डाल दी है। जब कभी वो लड़ाई की आग भड़काते हैं तो अल्लाह उसको बुझा देता है, वो मुल्क में फसाद करते फिरते हैं और अल्लाह फसाद करने वालों को पसंद नहीं करते। फिर यहाँ पर देखिए, पहले भी फिस्क करने वालों को पसंद नहीं करते, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, वल्लाहु ला युहिब्बुल मुफ्सिदीन, जो मुफ्सिदीन है फसाद करना, मतलब घरों में या झगड़े लड़ाई करना या करप्शन इन द लैंड, लाइक यू नो कोई चीज़ें ख़राब कर देना दुनियावी, ये सारे चीज़ें हैं। लेकिन इसमें क्या चीज़ है,
कि अल्लाह के जो बरकतें हैं वो इम्पॉर्टेंट है, देने से माल कम नहीं होता, देने से बढ़ता। लेकिन इन लोग क्या बोल रहे हैं, नौजबिल्ला अल्लाह ताला क्या है, उनका टाइड अप है उनके हैंड्स। नहीं, अल्लाह ताला तो देने वाला है, अल्लाह ताला तो जितना अल्लाह दे दे के नहीं थकेंगे, हम ले ले के थकेंगे। अय्यूब अलैहिस्सलाम की मिसाल है, अय्यूब अलैहिस्सलाम को टिड्डियाँ भेजे ऊपर से सोने के, तो ही वॉज कलेक्टिंग दैट, तो बोलते हैं कि आप देने वाले हैं तो मैं लेने वाला हूँ। आस्क अल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाह इज़ गिविंग यू। एंड यू नो व्हेन वी टॉक अबाउट यू नो अहले किताब, दे विल हैव द बोगस। और अगर ये अहले किताब ईमान ले आते और अल्लाह से डरते तो हम ज़रूर उनका तमाम गुनाह मुआफ़ कर देते और उनको नेमत के बागत में दाखिल करते। अगेन यू नो मैनी अहले किताब आर देयर स्टिल नाउ, कि जो उन लोग जो राइचियस रहते एंड उनके अंदर एक तलब रहती और वो राइचियसनेस उनको इतना खींच के लाती कि दे वुड डू द गुड थिंग और उन लोग इस्लाम ला लेते। अगर ये लोग तौरात इंजील की और जो किताब उनके पास उनके रब की तरफ से भेजी गई है उसकी पूरी पाबंदी करते तो ऊपर से और नीचे से खूब फरागत से खाते। उनमें से एक जमात है जो सीधे रास्ते पर है और उनमें से अक्सर बद किरदार है। तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं ये तौरात है, इंजील है, किताब है, तो ये रब के तरफ से भेजी गई है, लेकिन पूरी पाबंदी करे, अगर इस पे ईमान ला लिए तो अल्लाह ताला ऊपर से नीचे से, मतलब फ्रॉम द अर्थ, फ्रॉम द स्काई, अल्लाह इज़ गिविंग। फ्रॉम द स्काई क्या है, वही आई या बारिश आई, और अर्थ में क्या है, इतने सारे ख़जाने हैं, वो किस तरह अल्लाह ताला डिफरेंट चीज़ें दे रहे हैं अर्थ से, तो ये सीधा रास्ता आना। बट मोस्ट ऑफ देम क्या है, वो लोग बद किरदार है। आयत नंबर 67-70, ए रसूल आपके रब की तरफ से आप पर जो नाजिल किया गया है लोगों तक पहुंचा दीजिए, और अगर आप ऐसा ना करेंगे तो आपने अल्लाह का एक पैगाम भी नहीं पहुंचाया, और अल्लाह आपको लोगों से महफूज रखेगा, बेशक अल्लाह काफिरों को सीधे रास्ते पर नहीं बता। यहाँ पर बोलने का मतलब क्या है कि अल्लाह सुभान अल्लाह तआला इज़ सेइंग जस्ट आप बल्लिग कर दो, आप पहुंचा दो, मा उन्जिला इलेक, आपके पास सिर्फ इतनी अथॉरिटी के आप पहुंचा दो, आप गम मत करो। अगर उन लोग नहीं सुन रहे तो वो उनका है, यू विल बी नॉट आंसरेबल टू दैट। आप कह दीजिए कि ऐ अहले किताब, तुम किसी राह पर भी नहीं जब तक तुम तौरात और इंजील की और जो किताब तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से भेजी गई है उसकी भी पूरी पाबंदी करें, और ज़रूर जो चीज़ आपकी तरफ आपके रब के तरफ से भेजी जाती है वो उनमें से अक्सर लोगों की सरकशी और कुफर की और ज़्यादती करते हैं, तो आप उन काफिरों पर गम ना कीजिए। बेशक मोमिन, यहूद और साबीन और नसारा, इनमें जो शख्स अल्लाह और रोज़े क़ियामत पर यकीन रखता है और अच्छे काम करता है तो उन सब को ना कोई खौफ होगा और ना गम होगा। देखिए उनके लिए चाहे वो अहले किताब हो जो भी है, लेकिन अगर उन लोग सही ईमान ला रहे हैं तो अल्लाह विल यू नो फॉरगिव देम, और उनको रंज होगा ना गम होगा। हमने बनी इसराइल से अहद दिया था और हमने उनके पास बहुत से रसूल भेजे, जब कभी कोई रसूल उनके पास आए ऐसे हुक्म लाए जिसको उनके दिल नहीं चाहते, सो बाज़ों ने उनको ने झूठ कहा और बाज़ों को कत्ल कर दिया, मतलब झुटला दिए अक्सर यू नो, और यख्तुलून भी कर दिए, किल भी कर दिए। आयत नंबर 71-72 सूरतुल माईदा, और उन्होंने यही ख्याल किया था कि कोई सज़ा न होगी इस गलत का गुमान से, और भी अंधे और बहरे बन गए, फिर अल्लाह ने माफ़ कर दिया, फिर भी वो अंधे और बहरे ही बने रहे, यानी उनमें अक्सर अल्लाह तो उनके आमाल को खूब देखता है। इवन तो अल्लाह इज़ फॉरगिविंग अगेन एंड अगेन। अंधे और बहरे मतलब दे आर नॉट लिटरली अंधे एंड बहरे, वो लोग कान और आंखें अल्लाह के रास्ते में नहीं यूज़ कर रहे। बेशक वो लोग काफिर हो गए जिन्होंने कहा कि अल्लाह ही मसीह इब्ने मरियम है, हालांकि मसीह ने खुद फरमाया था ए बनी इसराइल तुम अल्लाह ही के इबादत किया करो जो मेरा भी रब है और तुम्हारा। तो ईसा अलैहिस्सलाम कभी भी नहीं बोले कि मेरे को गॉड बना लो, मैं सन ऑफ गॉड हूँ। तो अल्लाह ताला के सामने यहाँ क्लियरली मैंशन किया जा रहा है, नो आई नेवर सेड दैट। बेशक जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक करेगा तो अल्लाह उस पर जन्नत हराम कर देगा और उसका ठिकाना दोजख है, और ऐसे जालिमों का कोई मददगार नहीं है। देखिए कोई मददगार नहीं है ना, कितनी ज़्यादा तकलीफ दे बात है। बेशक वो भी
काफिर है जो कहते हैं कि अल्लाह तीन में का एक है, जबकि बावजूद एक माबूद एक और कोई माबूद नहीं। और अगर ये लोग अपने इस अक़वाल से बाज ना आए तो लोग उनमें से काफिर रहेंगे और दर्दनाक अज़ाब। मतलब ट्रिनिटी में अगेन तर्दीद की जा रही कि डोंट बिलीव इन ट्रिनिटी, अल्लाह इज़ ओनली वन। अब आजकल देखिए एक क्रॉस के जैसा एक फैशन बन गया, वो वेयर कर रहे हैं, वो भी क्या है, आप पब्लिसाइज कर रहे हैं ट्रिनिटी को। आप कुछ भी ऐसे, आप देखिए वन आई आजकल वेयर कर रहे हैं, वो भी क्या कर रहे हैं, आप दज्जाल को प्रमोट कर रहे हैं। तो जैसा आप हिजाब को प्रमोट कर रहे हैं, अदर वे वो हमारी कौम में से है जो लोग गलत चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं। फॉरबिड दैट इन द लाइक यू नो प्लेस ऑफ फैशन, चाहे वो धागे पहनना हो हाथ में, यानी तो आँख पहन ले रहे हैं या जो भी है, दैट इज़ नॉट राइट। क्या फिर भी वो अल्लाह के सामने तौबा नहीं करते और उससे मुआफ़ी नहीं मांगते? और अल्लाह तो बख्शने वाला और रहमत वाला, अगेन अल्लाह इज़ बख्शने वाला, वाई डोंट यू आस्क द माफ़ी? मसीह इब्ने मरियम कुछ भी नहीं, सिर्फ एक रसूल है, जिनसे पहले और भी रसूल गुजर चुके, और उनकी वालिद वालिदा एक सच्ची बीबी है, दोनों खाना खाया करते थे। देखिए तो हम किस तरह उनसे दलाइल बयान करते हैं, फिर देखिए तो वो उल्टे किधर फिरे जा रहे हैं। तो यहाँ पर मरियम अलैहिस्सलाम और उनकी जो बेटे ईसा अलैहिस्सलाम, दे वुड ईट द खाना, दे वे नॉर्मल पीपल, दे आर नॉट गॉड, ही इज़ नॉट सन ऑफ गॉड। क्या हम ईसा अलैहिस्सलाम को मानते लेकिन सन ऑफ गॉड नहीं मानते? क्रिसमस नहीं सेलिब्रेट करते? अगर कोई क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं और मैरी क्रिसमस कर रहे हैं, दैट इज़ इनकरेक्ट, वी हैव टू करेक्ट अवर सेल्फ। मसीह इब्ने मरियम कुछ भी नहीं, सिर्फ एक रसूल है, जिनसे पहले और भी रसूल गुजर चुके, उनकी वालदा एक सच्ची बीबी। तो यहाँ पर क्लियरली मैंशन किया गया है कि खाना खाना और वो सच्चे थे, अच्छे थे। और आगे बताया गया जा रहा है, आप फरमा दीजिए क्या अल्लाह के सिवाय उसकी इबादत करते हो जो तुमको ना कोई नुकसान करने का इख्तियार रखता है ना ही नफ़ा पहुँचाता है, हालांकि अल्लाह सबके सुनने वाला और सबके बारे में खूब जानता है। आप कह दीजिए ए अहले किताब, तुम अपने दीन में नाहक गुलू मत करो। गुलू मतलब हद से ज़्यादा बढ़ जाना, यानी तो प्रॉफिट को बताना कि अल्लाह से ज़्यादा नौज़बिल्ला प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और ईसा अलैहिस्सलाम को ट्रिनिटी बता देना, सन ऑफ गॉड बता देना, मदर बोल देना मरियम अलैहिस्सलाम को, दैट इज़ रॉन्ग। खुद भी गलती पे पड़ चुके हो और बहुत सों को गलती में डाल चुके हो, और वो सीधे रास्ते से बहुत दूर हो गए। बनी इसराइल में जो काफिर थे उन पर लानत की गई है, दाऊद ईसा इब्ने मरियम की ज़बान से ये लानत की सबब हुई के उन्होंने मुख्तलिफ मुखालिफत की और हद से आगे बढ़ गए। आयत नंबर 79-80, और वो अपने नापसंदीदा कामों से बाज न आते थे, बेशक उनके फेल बहुत ही बुरे थे, मतलब उनके जो अमल थे। आप देखते हैं कि उनमें से बहुत से लोग काफिर से दोस्ती करते हैं, बेशक वो बुरा काम है जो उन्होंने आगे के लिए किया है, कि अल्लाह इससे बहुत नाराज़ हुआ और ये अजाब में हमेशा हमेशा रहेंगे। और ये लोग अल्लाह पर ईमान रखते हैं और नबी पर, उस किताब पर जो उनके पास आई, तो उनको कभी दोस्त ना बनाना, लेकिन उनमें से बहुत से लोग ईमान ही खारिज है। तो बोल रहे हैं कि ऐसे लोगों को मत बनाओ फ्रेंड्स, क्योंकि उन लोग आपके लिए कोई अच्छे साबित नहीं होंगे। और ये लोग अल्लाह पर ईमान रखते हैं और नबी पर और उसकी किताब पर जो उनके पास आई, तो उनको कभी दोस्त ना बनाना, लेकिन उनमें बहुत से लोग ईमान ही से खारिज है। आयत नंबर 82, आप इन यहूद और इन मुशरिकीन और आदमियों से ज़्यादा मुसलमानों से अदावत रखने वाले पाएंगे, और इन में मुसलमानों के साथ दोस्ती रखने के करीब तर उनको पाएंगे जो अपने आप को नसारा कहते हैं। ये इस सबब से है कि इन में बहुत से इल्म दोस्त आलिम है और बहुत से तारीख की दुनिया दरवेश है, और नीज़ ये कि वो तकब्बुर नहीं करते। और जब वो इस किताब को सुनते हैं जो रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारी है, तो तुम देखते हो कि उनकी, अब यहाँ पर क्या है, आयत नंबर 83 ऑनवर्ड्स नया पारा शुरू होगा, तो यहीं तक हम यहाँ रखते हैं। तो आज के पारे में जो सूरतुल निसा थे और सूरतुल माईदा, इसमें क्या अहकामात सीखे के नसारा हो या यहूदी हो, वो उनसे हमको दिली दोस्ती नहीं रखना है, उनसे ऐसे ताल्लुकात नहीं रखना है
जिससे आप समझ रहे हैं कि वो हमारी बात सुनेंगे, नहीं, उनके दिल में बुग़्ज़ था और हमेशा उनके दिल में बुग़्ज़ रहेगा। वो कभी भी हमारे फ्रेंड्स नहीं थे, ना कभी फ्रेंड्स हो सकते। तो हमेशा कोशिश करना चाहिए कि हमारी दोस्ती सिर्फ राइचियसनेस पे हो। राइचियसनेस ही है जो बचाने वाली है। और हमेशा ये भी कोशिश करना चाहिए कि जो वर्डिक्ट दिया जा रहा है, आपको अगर ऐसा कोई पोजीशन मिला जिसमें आपको सही वर्डिक्ट देना है, सही आपको जज करना है, तो आप हमेशा कोशिश करें, हमेशा सही का हमको साथ देना है, गलत का साथ नहीं देना है। इवन दो इट्स गोइंग अगेंस्ट यू, देन ऑल्सो स्टिल यू हैव टू गिव द साथ ऑफ द सही का, गलत का साथ नहीं देना है। इंशाल्लाह टेक्स्ट भी ओपन कर देंगे आप, इंशाल्लाह एंड कर देंगे। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका नतूब इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा फॉर जॉइनिंग अस। टेक्स्ट इज़ ओपन एंड इंशाल्लाह फिर हम कल कंटिन्यू करते हैं। अल्लाह ताला आपकी नेक ख्वाहिशात पूरे करे। और इंशाल्लाह एक मिनट है, अभी हम क्लोज कर देंगे रूम को। सी यू टुमारो इंशाल्लाह। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा।